हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, आज हमें एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर शुरू करना है। लिखिए मेरे साथ, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, पहले ना हम इस चैप्टर को थोड़ा समझेंगे। इस चैप्टर में कुछ खास ज्यादा नहीं है पढ़ने पढ़ाने को, लेकिन पहले थोड़ा समझेंगे इस चैप्टर के अंदर में आखिर गुडविल क्या होता है, क्यों इसको वैल्यू करते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट आती है, फिर हम इस चैप्टर के अंदर में एंट्री करेंगे। इस चैप्टर को न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों हम साथ साथ समझेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको वादा करता हूं बच्चे, वादा करता हूं। देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि गुडविल होता क्या है। देखो, जब बात गुडविल की उठती है ना, गुडविल की उठती है, तो गुडविल का मतलब हम उस कंपनी के रेपुटेशन की बात करते हैं। रेपुटेशन, आपका इमेज, आपका इमेज, और जो इमेज है बच्चे, आपका जो रेपुटेशन है, वो आपके ब्रांड को क्रिएट करता है। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू आपका। जब हम गुडविल को वैल्यू करने की बात करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम उसके ब्रांड वैल्यू को वैल्यू करने की बात करते हैं। ब्रांड बच्चे, ये ब्रांड जो होता है, आपने नाम सुना होगा टाटा, बिरला, रिलायंस, सीओसी। सीओसी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस, नाम तो सुना ही होगा। ये ब्रांड जो क्रिएट होते हैं ना बच्चे, इनमें इतने सारी मेहनत होती है कि वो मेहनत शायद अभी आप उसको रियलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस बात को रियलाइज करने के लिए बहुत छोटे बच्चे हैं। कल को जब आप बड़े हो जाओगे, किसी कंपनी को खुद मन करता है कि मैं क्रिएट करूं, एक ब्रांड बनाऊं अपना, तो उस केस में आपको ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट होता है आपको समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूं, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस गुडविल को, ब्रांड को समझने के लिए, और जो आपकी बुक कहता है, मैं उसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, जब भी कोई ब्रांड वैल्यू मार्केट में क्रिएट होती है ना, ब्रांड का मतलब, जैसे देखो, आप टाटा कंपनी का नाम जानते हो, आप रिलायंस का नाम जानते हो, आप यहाँ पे विप्रो का नाम जानते हो, आप यहाँ पे सीओसी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज का नाम जानते हो, बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे है। हो सकता है कि आप इनके मालिक के बारे में ना जानते हो सकता है आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता। टाटा का मालिक कौन है, विप्रो का मालिक कौन है, रिलायंस का मालिक कौन है, सीओसी का मालिक कौन है, आपका मान लो एचसीएल का मालिक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है, शायद हो सकता है कि आपको उसका नाम ना पता हो, लेकिन मेरे बच्चे आज घर घर में एक एक बच्चा इन ब्रांड को जानता है, इन नामों को जानता है। वो नाम जब सुबह उठता है, शाम उठता है, तो इस नाम से उनका लेन देन होता है। मेरे बच्चे ये आज एक ब्रांड क्रिएट हो चुके हैं, मार्केट में ब्रांड क्रिएट हो चुके हैं। सर, ये ब्रांड कैसे बनते हैं? मेरे बच्चे, ब्रांड को क्रिएट करने के लिए जितने भी कस्टमर्स हमारे मार्केट में हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को हम ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है रेट, एक होता है आपका डॉग, और एक होता है कैट। सर कैसी बात कर रहे हो, ये कस्टमर थोड़े होते हैं ना बच्चे, ये कस्टमर नहीं होते, हम तो कह रहे हैं ये टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं, टाइप ऑफ कस्टमर। अगर मैं किसी कस्टमर को जो मेरी दुकान में आता है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं मेरे बच्चे कि वो किस टाइप का कस्टमर है, तो तीन ही टाइप का होगा, या तो रेट होगा, या डॉग होगा, या फिर कैट होगा। सर ये रेट, डॉग, कैट क्या होता है पहले बता दूं, ये टाइप ऑफ कस्टमर जो हमने डिवाइड किया बच्चे, इस ब्रांड को समझने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर निकलो, या आपके अगर पापा जी दुकान चलाते हैं और कोई कस्टमर आए, तो आप उसको रेट, डॉग या कैट कहना पुकार दो ना बच्चे, ना आप ऐसा काम नहीं करना। मैं तो उनका नेचर समझा रहा हूं कि आखिर वो कस्टमर कैसे होते, जरा सुनना ध्यान से। पहले आपको इस तीनों का नेचर समझना पड़ेगा। रेट, चूहा, ये जो है ना बच्चे, वो किसी एक घर में फिक्स नहीं होते। ये जो चूहे होते हैं ना, उनको किसी घर से मतलब नहीं है, आज यहां, कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां, ये मार्केट में घूमते रहते हैं। ये मार्केट मतलब ये घूमते रहते हैं, जहां इनको खाना मिल जाएगा वो वहां खाना खाएंगे और चले जाएंगे आपका यहाँ पे, इनका कुछ फिक्स नहीं होता। रेड टाइप के कस्टमर, मेरे बच्चे ऐसे जो कस्टमर होते हैं ना, रेड टाइप के, ये अभी तक मार्केट में जितनी कंपनीज हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, जितने सर्विसेज हैं, उनसे वो डिससेटिस्फाइड है। उनको वहां पे मजा नहीं आ रहा है, उनको मजा लेने के लिए वो कुछ और नया चीज ढूंढ रहे हैं, कुछ और अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। जहां पे वो क्वालिटी उनको मिल जाएगी, वो वहां पे क्या करेंगे, जाके वो फिक्स्ड हो जाएंगे।
ये कस्टमर रेड टाइप के होते हैं बच्चे। अगर कोई भी कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट करती है ना, क्योंकि मार्केट में उनके साथ कोई जुड़ा ही नहीं है, तो पहला टारगेट क्या होता है, ये कैट टाइप रेड टाइप का कस्टमर को पकड़ना, इनको पकड़ते हैं, क्योंकि ये मार्केट में डिससैटिस्फाइड कस्टमर है। अगर आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट में वो दम है कि इन कस्टमर को अपने साथ जोड़ सकता है, तो समझो कि ब्रांड को बनाने का पहला स्टेज आपने क्लियर कर लिया, ये आपके साथ जुड़ गए बच्चे आपका। फिर सेकेंड स्टेज में आपके ये जो है, जो रेड टाइप के कस्टमर है, ये जब आपके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये डॉग टाइप के कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर डॉग टाइप क्या होता है पर बच्चे, डॉग का नेचर जरा समझो, डॉग का नेचर ये पता क्या होता है, ये अपने मालिक के साथ जुड़ा होता है। डॉग जो है ये अपने मालिक के साथ जुड़े होते हैं। अगर उनका मालिक यहां पे है तो यहां पे वो काम करेंगे, सॉरी यहां पे वो रहेंगे बच्चे। अगर मालिक इस घर को छोड़ के कहीं और चला जाता है या वहां चले जाएंगे, मालिक वहां से भी जगह चेंज किया तो कहीं और चले जाएंगे जहां उसका मालिक जाएगा। मेरे बच्चे डॉग टाइप के जो कस्टमर होते हैं ना, ये उस कंपनी में काम करने वाले जो इंप्लॉइज हैं, उस कंपनी में जो मालिक है उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब वो मालिक या इंप्लॉई उस कंपनी में काम करेंगे तो उस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। जब वो मालिक या कंपनी जब मालिक या इंप्लॉई उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाते हैं, तो मेरे बच्चे वो कस्टमर वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब डॉग टाइप के कस्टमर। जब कंपनी रेड को डॉग में कन्वर्ट की, इसका मतलब क्या होता है जी, कि उस कंपनी में जो इंप्लॉई या मालिक है उनके साथ कस्टमर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, अच्छा रिलेशन बनाते हैं कि हाँ जी आप हमारे साथ आओ, हमारे प्रोडक्ट को लो, हम सब कुछ सीखें, ऐसा निकल के आता है। मेरे बच्चे अगर किसी कंपनी में जब डॉग टाइप के बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं, तो बहुत सारे होने का मतलब है कि उस कंपनी के जो इंप्लॉई है, उस कंपनी का जो मालिक है, उस कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट है, जितने सारे सर्विसेज है, सब अच्छे हैं। जब सब अच्छे हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे डॉग टाइप के कस्टमर हो जाएंगे। और जब बहुत तरीके के डॉग टाइप के कस्टमर आपके जब हो जाएंगे, तो मेरे बच्चे यही धीरे धीरे फिर क्या होता है कि कैट टाइप के कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैट का नेचर क्या होता है जरा बताओ, कैट का नेचर आपका सर कैट यानी कि बिल्ली। अरे ये जो है ना बच्चे, ये वो उस अगर इनको पता है कैट को कि इस घर में मुझे दूध मिलेगा, तो उस घर में वो दूध पीने जाएंगे ही जाएंगे, चाहे आप रहो, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी रहे। इनको उस घर में कौन रहता है, उसका मालिक क्या, उससे मतलब नहीं है। मेरे बच्चे कैट टाइप के जो जब किसी कंपनी में बहुत बहुत सारे डॉग टाइप के कस्टमर हो जाते हैं ना, बहुत सारे, इसका मतलब कि उस कंपनी का सब कुछ अच्छा है, इंप्लॉई अच्छे हैं, मालिक अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी सर्विसेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है वो सारे के सारे कैट टाइप के कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कैट में कन्वर्ट होने का मतलब है कि इस कंपनी का मालिक कोई भी रहे, इस कंपनी में काम करने वाला इंप्लॉई कोई भी रहे, उन कस्टमर को अब उनसे मतलब नहीं है, वो तो इस ब्रांड को पहचानते हैं। ये कैट टाइप के कस्टमर बन चुके हैं, ये कहते भैया मैं तो यहीं से सामान लूंगा, मालिक आप रहो, इंप्लॉई आप रहो, चाहे कोई रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उस ब्रांड को जानना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे जब किसी कंपनी के अंदर में कैट टाइप के कस्टमर बन जाते हैं ना, तो समझो कि उसकी एक ब्रांड क्रिएट हो चुकी है, और तभी टाटा रिलायंस विप्रो सीओसी का नाम आपका मार्केट में क्रिएट होता है। ब्रांड वैल्यू, ये ब्रांड वैल्यू जो है, ये आपका रेट या डॉग पे डिपेंड नहीं करता बच्चे। रेट वाले आज आपके पास है, फिर कल को चले जाएंगे, किसी और के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में घूमते रहते हैं। और आज तक कोई भी ऐसा मार्केट नहीं हुआ ना होगा जिसमें ये कस्टमर ना हो, क्योंकि ये होंगे तभी तो नए कंपनीज को मौका मिलता है। पर बच्चे इसलिए रेड टाइप के कस्टमर पे कोई विश्वास नहीं करता, आज वो आपके साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएंगे, छोड़ो इनकी बात। डॉग टाइप के जो कस्टमर हैं, ये भी उस कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉई के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो इंप्लॉई इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में चले जाएंगे, तो फिर वो कस्टमर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो कैट टाइप के कस्टमर है, जो इस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमेशा इस ब्रांड के साथ रहेंगे, चाहे उसका मालिक कोई भी, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कोई आपसे पूछ दे, लिखो जरा यहां पे कि जरा बताओ, गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके के कस्टमर पे डिपेंड करता है, तो आप कहना कैट टाइप का कस्टमर। लिखो मेरे साथ यहां पे नोट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ध्यान रहे, लिखेंगे नोट नंबर 1 यहां पे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम वैल्यू करते हैं बच्चे, गुडविल यानी कि दैट इज ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू कह दो, गुडविल कह दो, मीनिंग सेम निकल के आता है।
तो कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जनरली, लिखेंगे यहां पे जनरली डिपेंड्स अपन कैट टाइप ऑफ कस्टमर. तो ये जो कैट टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं, कैट को डालते हैं इन्वर्टर कोमा में, कैट टाइप ऑफ कस्टमर जो होते हैं बच्चे, इन्हीं के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आखिर हमारे गुडविल की वैल्यू क्या होगी. तो ध्यान रखना, कोई पूछ रहे कि जरा बताओ जी गुडविल की वैल्यू किस टाइप के कस्टमर पे डिपेंड करता है, तो आप कहना और उनको समझाना भी कि कैट टाइप ऑफ कस्टमर के डिपेंड करता है बच्चे. ये कस्टमर आज है, कल को छोड़ सकते हैं, बट ये कस्टमर कभी आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आपने आज की क्वालिटी मेंटेन करके रख लिया तो आपका, ठीक है ना. और भी कोई सारी बातें आएंगी, हम देखेंगे. यहाँ पे लिखो मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे आपका नोट नंबर टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, लिखना. नंबर ए बच्चे, पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड. लिखिए यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड. बच्चे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में भी दो मेथड आता है. नंबर वन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. साथ साथ लिखना आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. और लिखेंगे आप यहां पे नंबर टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सर ये क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे बच्चे, अभी आगे का टॉपिक के पहले लिखो यहां पे. कहते हैं कि गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, तो एक तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया. नंबर बी लिखेंगे आप यहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड. सर ये क्या होता है, चिंता ना करो, सारा डिस्कशन करूंगा बच्चे, समझाऊंगा भी लॉजिकली, बस लिखते चलो आप यहां पे. नंबर सी लिखना लिखेंगे आप यहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड. ये हमारा थर्ड मेथड आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड. फोर्थ में आप लिखेंगे यहां पे डी नंबर में एनुटी मेथड. और एक फिफ्थ में और लिखो यहां पे नंबर ई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपका, ठीक है ना. तो ये पांच हमें मेनली यहां पे मेथड पढ़ना है गुडविल को वैल्यू करने के लिए. हम पांचों को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये बातें क्या निकल के आती हैं. पहले आप लिख दो यहां पे, हमने बताया पहले पॉइंट में कि मेरे बच्चे गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है आपके कैट टाइप ऑफ कस्टमर के ऊपर में. फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आया. सेकंड में गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास टोटल पांच मेथड है. तो पहले हम शुरू करते हैं आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ. आपका इसको मिटा दूं मैं, ये हो गया आपका. अरे बोलो ना, ये हो गया बच्चों. सर हो गया. लो मैं इसको मिटाता हूं और फिर मैं आपको लेकर आता हूं पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के पास. आपका पहले हम देखेंगे बच्चे एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आपका है पहला मेथड, ये गुडविल को वैल्यू करने का कौन सा तरीका है. पहले एक बात ध्यान देना, जब हम बात करते हैं ना गुडविल को वैल्यू करने का, जब हम कहते हैं यार गुडविल को हम वैल्यू कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. जरा सुनो ध्यान से, मैं कुछ बोल रहा हूं लिखना बंद करेंगे. देखो हच कंपनी बिक गई ना बच्चे. सर हां. अच्छा बताओ इसको किसने परचेज किया था? वोडाफोन ने. जब वोडाफोन ने हच को परचेज किया तो हच के जो ब्रांड था ना बच्चे, जो इनके कस्टमर्स थे, कौन से कस्टमर? कैट टाइप के कस्टमर. उन कस्टमर को क्या हुआ? वोडाफोन के पास चले गए, वो इनके पास चले गए. यानी कि हच का ब्रांड इनके साथ मिक्सअप आपका हो गया. तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, स्टडी कर रहे हैं कि ये जो हच कंपनी बिकी, इनकी जो गुडविल थी, इनका जो ब्रांड वैल्यू था, आखिर इसकी कीमत कितनी लगाई जाएगी. यानी कि जब कोई कंपनी बिकती है और कोई कंपनी उसको परचेज करती है, तो उस टाइम पे उसकी ब्रांड की, उसकी गुडविल की जो वैल्यू निकाली जाएगी, आखिर वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी. मैंने पांच तरीका आपको बताया है मेरे बच्चे, पांच में से कौन सा तरीका फॉलो किया जाएगा और कौन सा तरीका नहीं फॉलो किया जाएगा, ये डिपेंड करता है दोनों के अंडरस्टैंडिंग ऊपर में कि हम दोनों मिलके आखिर किस मेथड को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं. जो हमारा मन कर जाएगा, दोनों के अंडरस्टैंडिंग जहां पे मिल जाएगी, वहां पे क्या होगा, हम उस मेथड को फॉलो करना शुरू कर देंगे. हाँ एक बात और कह दूं, ये पांच जो तरीके हमने बताए ना, पांचों में गुडविल की जो वैल्यू आएगा बच्चे, वो अलग अलग आएगा.
मतलब पांचों में सेम नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं कि गुडविल जब वैल्यू किया जाएगा तो कौन सा मेथड डिसाइड किया जाएगा, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं और जो डिसाइड करेंगे वही, बट हमारा काम यहां पे मेथड को डिसाइड करना नहीं है। जो मेथड भी आप लोगों ने डिसाइड किया उससे हमारे गुडविल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, उस मेथड को जानना बच्चे। तो आओ जरा उस वैल्यू को जानने के लिए लिखिए मेरे साथ, आज पहले हम फर्स्ट मेथड की शुरुआत करते हैं आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से आप गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे हम जरा उसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए जरा आओ मेरे साथ आप अपने बुक के अंदर में और चेक करो बुक के अंदर में क्या आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी चेक करेंगे आप मेरे साथ यहां पे, मैं भी बुक निकाल लूं, मेरे पास अपने लैपटॉप में पड़ा हुआ है चीज, तो मैं आपको, आप जरा आ जाओ आप अपनी बुक देखो और मैं अपना लैप भी देखता हूं यहां पे। सुनो सुनो जरा आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन चेक कीजिए मेरे साथ क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर वन, हम लोग अभी आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं, पर बच्चे कहता है क्वेश्चन नंबर वन में, पढ़िए मेरे साथ, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग लास्ट थ्री ईयर्स बाई एक्स लिमिटेड आर एच फॉलो। पिछले तीन वर्षों में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, कहता है कि आपका 5 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। ये कहता है कि आपका 2004 में इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए है, फिर कहता है कि 6 लाख और फिर कहता है कि 4 लाख। बोलता है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज प्राइस। सर ये 3 ईयर्स परचेज प्राइस क्या है, सर इसका क्या मतलब होता है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ना पहले क्वेश्चन में, बाई कहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर कहता है बी में वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मेरे बच्चे एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया सिंपल एवरेज, और दूसरा कहता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में कहता है ब्रैकेट में इफ वेट्स आर नॉट गिवन, और फिर कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इफ वेट्स गिवन आर 1, 3, 6 रिस्पेक्टिवली। सर ये क्या है हम समझेंगे, चिंता ना करो, पहले एक काम करते हैं आओ जरा मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट मेथड है इसमें सोल्यूशन करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन का। और मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर वन में भी हम नंबर ए की बात कर रहे हैं, नंबर ए में आप लिखो यहां पे, पहले हम सीख रहे हैं यहां पे सिंपल सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज आपका प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से हम गुडविल को कैसे निकालेंगे, आप जानते तो हो जब हम इससे गुडविल निकालेंगे तो पहले क्या करना होगा जी, जो कंपनी बिक रही है ना बच्चे, जो कंपनी बिक रही है हम उसका पहले एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अगर मैं इस यहां पे बात करूं तो यहां पे कौन सी कंपनी बिक रही है, सर एक्स लिमिटेड, ये बिक रही है बच्चे आपका यहां पे, है ना। तो यहां पे हच जो है ना वो हमारा एक्स लिमिटेड है और ये कंपनी बिक रही है और ये कंपनी इसको परचेज कर रही है, तो इसकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी उसको हम यहां पे डिसाइड कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है जब हम गुडविल की वैल्यू करते हैं तो ये जो नई कंपनी है बच्चे, जो कंपनी इसको परचेज कर रही है वो इनसे पूछती है कि एक बात बताओ आप ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। ये कंपनी कहती है इनसे कि जरा बताओ आप ऑन एन कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो देखो ना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तीन वर्षों का प्रॉफिट बताया है, कहता है कि 5 लाख रुपीज का अमाउंट आपका 2004 में हमने कमाया है, फिर कहता है कि 6 लाख रुपीज हमने कमाया है अगले वर्ष में आपका यहां पे, और तीसरे वर्ष में कहता है मेरे बच्चे 4 लाख का प्रॉफिट हमने कमाया है। तो तीन वर्षों में 5, 6, 4 यानी कि ये इन्होंने कमाया, और अगर हम एवरेज निकालते हैं तो जितने वर्ष का प्रॉफिट होता है हम उतने से डिवाइड करते हैं, ये कितना निकल के आ गया 5 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 5 लाख का अमाउंट। तो यहां पे क्या हुआ कि हच ने कहा कि देखो जी मैं ऑन एन एवरेज यहां पे 5 लाख रुपए कमाती हूं, 5 लाख रुपए कमाती हूं। तो अब यहां पे वोडाफोन ने कहा कि ठीक है आप जो ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए कमा रहे हो, मेरे देखो आपके जाने के बाद अब वो कस्टमर मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जब आप चले जाओगे तो वो कस्टमर मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जो 5 लाख रुपए आप कमा रहे हो ना वो अब मैं कमाना शुरू कर दूंगा, लेकिन हाँ जो कस्टमर पे मेहनत आपने किया है शायद उसका बेनिफिट हमें अगले 2 वर्षों तक मिलेगा, 2 वर्षों तक मिलेगा। मेरे बच्चे जितने वर्षों तक नई कंपनी इसका बेनिफिट लेगी हम उसे कहते हैं ईयर्स परचेज प्राइस, क्या बोलते हम उसको ईयर्स परचेज प्राइस। ये बुक में मैंने 3 लिखा हुआ बट मैं उसको चेंज कर देता हूं, जब बुक आपके पास आएगी तो यहां पे ईयर्स परचेज प्राइस 3 के जगह पे ना मैं 2 कर देता हूं बच्चे, 2 में आपको क्वेश्चन मिलेगा ताकि थोड़ा सा समझने में आपको आए यहां पे मजा। तो हम यहां पे 2 ईयर्स परचेज प्राइस की बात करते हैं, ठीक है ना,
ये आपका 2 ईयर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ईयर्स परचेज प्राइस आपको 3 दिया हुआ है आप उससे 2 में कर देता हूँ ताकि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 2 ईयर्स का मतलब क्या निकल गया जी, 2 ईयर्स का मतलब निकल गया बच्चे कि जो नई कंपनी है इनके कस्टमर ये जो प्रॉफिट कमाया करते थे इनको लगता है कि मैं अगले 2 वर्षों तक ये बेनिफिट लूंगा आपके ब्रांड के चलते। तो जो आप गुडविल आप निकालते हो उस गुडविल को निकालने के लिए आप क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट जो पुरानी कंपनी कमाया करती थी वो हमें लगता है कि नई कंपनी अगले 2 वर्षों तक कमाएगी। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 2 ईयर्स परचेज प्राइस। सर ये कैसे डिसाइड होता है कि कितने ईयर्स लेना है मेरे बच्चे, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, आप चिंता ना करो। एग्जाम में आपको डिसाइड नहीं करना होगा, एग्जाम में ऑलरेडी आपको दिया होगा। तो देखो 5 लाख रुपीज जो ऑन एन एवरेज आप कमाया करते थे, नई कंपनी कहते हैं कि अगले 2 वर्षों तक हम कमाएंगे, यानी कि आपका 10 लाख रुपीज आपकी ब्रांड की वैल्यू लगाई गई, नई कंपनी जो आपको परचेज करेगी इसके लिए 10 लाख का आपको पेमेंट करेगी आपकी ब्रांड के लिए, अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को फॉलो करते हैं। तो बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर हाँ। तो हमने क्या किया इस मेथड में, ध्यान सुनना, मैं कुछ आगे के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज जितना प्रॉफिट ओल्ड कंपनी कमाया करती थी, अब ये प्रॉफिट जो है नई कंपनी कमाएगी क्योंकि कस्टमर इनके साथ जुड़ जाएंगे, और उस केस में नई कंपनी को ऐसा लगता है कि 5 लाख रुपए जो आप कमाया करते थे वो प्रॉफिट मैं अगले 2 वर्षों तक कमाऊंगा। तो वो 2 ईयर्स परचेज प्राइस से आपने मल्टीप्लाई किया, गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। दिस इक्वल आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर हाँ। अरे एक मिनट, आपने मेरी बात सुना मैंने क्या किया? इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो 2004, 2005, 2006 3 वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि शायद ये कंपनी जो है ना 2007 में बिक रही है बच्चे, इसलिए हमने पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लिया। एक बात बताओ, जरा बातें लॉजिकल करना, सोच समझ करना, मैं यहां पे कोई आपको टेंशन देना नहीं चाहता। मुझे बताओ 2007 में अगर बात ये उठ रही है कि जरा बताओ आपने, मतलब ओल्ड कंपनी अभी तक ऑन एन एवरेज कितना कमा रही है? तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, तीनों का एवरेज निकाला, इसमें जितना कमाया, इसमें जितना कमाया, इसमें जितना कमाया, और एवरेज निकाल के हमने गुडविल को वैल्यू कर लिया। लेकिन मुझे ये बताइए आपकी 2007 में जब हम गुडविल को वैल्यू करने की बात करते हैं, 2007 में अगर एक कंपनी बिक रही है, तो बताओ ये 3 वर्षों का जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें से ज्यादा रिलायबल प्रॉफिट कौन सा है? बोलो ना, जो 3 वर्षों 2007 में जब गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं तो इस 3 वर्षों में कौन सा प्रॉफिट आपको ज्यादा रिलायबल लगता है? सर ये जो प्रॉफिट है ना सर, वो ज्यादा रिलायबल होगा, ये थोड़ा कम होगा क्योंकि पुराने फिगर्स है, जो जितना ज्यादा पास होता है ना बच्चे वो उतना ज्यादा रिलायबल फिगर आपका होता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं सर नहीं, पता नहीं आप ये क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों बोल रहा हूं वो तो बात की बात है, मैं रिलायबिलिटी को थोड़े और दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना कि अब जो सवाल पूछने वाला हूं उसमें आपका आंसर क्या होगा, मेरा सवाल क्या आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सुनो जरा ध्यान से। देखो मैं कहता हूं कि कहानी 3 वर्षों की है, मैं आपकी बात करता हूं। देखो एक तो जब आप फर्स्ट क्लास में थे, एक जो आप अपने आए थे मेरे बच्चे मान लो 12th क्लास के अंदर में, और एक जो आप मान लो बीकॉम किया। मैं इस तीन का, ये तीन जो मेरे पास फिगर है ना, इनसे ये डिसीजन लेना चाहता हूं कि अगर मान लो आप सीए सीएमए या फिर सीएस करते हो तो इसमें पास करोगे कि फेल करोगे। मान लो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, आप मतलब पर्सनल इसको मत लेना और अपने पर इसको फॉलो नहीं करने देना, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लो मुझे, आपने मुझसे सवाल पूछ दिया कि सर बाबा तो मैं सीए सीएमए सीएस कर रहा हूं, मैं पास करूंगा कि फेल करूंगा, तो मुझे ये डिसीजन अगर लेना है आपके बारे में, तो पता है मैंने क्या किया, 3 वर्षों का आपने मुझे फिगर दिखाया, फर्स्ट क्लास में आपके 100% मार्क्स आए थे, 12th क्लास में आपके जो थे ना बच्चे वो मान लो यहां पे 95% मार्क्स आए थे, और पता है बीकॉम में आपके 33% मार्क्स आए थे।
ये तीन आपके हैं। यहां तो पता नहीं ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, यहां तो आपको पता है कि आज के टाइम पे हमारा देश क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। लोगों को लगता है, टीचर्स को लगता है कि कहीं अगर कम मार्क्स दिया और बच्चे ने आत्महत्या कर लिया तो फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी, तो बोलते कि मार्क्स बांट दो जितना बांटना है। तो 12th क्लास में ऐसे मार्क्स आ गए, लेकिन बीकॉम में आपने 33% लिया। अब मुझे ये डिसीजन लेना मेरे बच्चे कि आप जो है ये कोर्स जो प्रोफेशनल कोर्स करेंगे या कर रहे हैं उसमें पास करेंगे कि फेल करेंगे, तो बताओ कौन सा फिगर आपको ज्यादा रिलायबल लगता है। सर हमें तो ये लगता है सर, ये क्यों मार्क्स कम है इसलिए क्या? नहीं सर नहीं, जब मैंने इसकी पढ़ाई शुरू की तो इसके साथ जो फिगर है ना सर वो ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू इनके। ये तो आज से 15-16 साल पहले की बात है सर, यहाँ पे ये भी आज से 4-5 साल पहले की बात है, ये सर हमें पास दिखता है। मेरे बच्चे पता मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बी पॉइंट पे आना चाहता हूँ जहां पे गुडविल की वैल्यू आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका लिखिए मेरे साथ यहां पे, नंबर बी में आप आ रहे हैं, नंबर बी में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसके अंदर में क्या करेंगे, इसके अंदर में क्या करेंगे जरा क्वेश्चन पढ़ना, इसी का सेकंड पार्ट क्या बता रहा है पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट आपको क्या बता रहा है, बी पार्ट क्या बता रहा है पढ़ेंगे आप। बी पार्ट कहते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकालो अगर क्वेश्चन में वेट नहीं दिया। सर कहना क्या चाहता है मैं आपको बताऊं, लिखो पहले आप यहां पे ईयर, लिखो यहां पे ईयर, फिर आप लिखो यहां पे आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो लिख रहे हैं। पर बच्चे फिर मैं इनको वेट असाइन करूंगा, वेट, और फिर हम यहां निकालेंगे आपका वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। सर ये क्या कर रहे हो अभी समझा रहे हो, दो मिनट टाइम दो मुझे, आप जरा बताओ क्वेश्चन में कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2004 का है, फिर क्या बता रहा जी 2005 का है, और फिर आपका 2006, तीन वर्षों का प्रॉफिट है बच्चे। जरा बताओ कितना कितना प्रॉफिट बता रहा है, सर पहले वर्ष का 5 लाख का प्रॉफिट आपका है, दूसरे वर्ष में सर 6 लाख रुपीज बता रहा है, एंड थर्ड ईयर में कहता है कि 4 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया है, 4 लाख का। फिर बच्चे कहता है कि आप इनको वेट असाइन करो। वेट क्या होता है, इंपोर्टेंस, उसकी अहमियत, कि अगर आप जो डिसीजन लेने वाले हो उसके डिसीजन लेने में इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कौन सा फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो 2007 में मेरी कंपनी का वैल्यूएशन हो रहा है गुडविल का, तो इस तीनों में से मैं किसको ज्यादा वेट देना पसंद करूंगा। सर जो जितना पास होता है ना सर उसको उतना ज्यादा वेट दो, वेट यानी कि इंपॉर्टेंस। तो पता मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, जो जितना पुराना फिगर होगा ना उसको मैं उतना कम वेट दूंगा, मतलब 1 तो मिनिमम होता है, इससे कम वेट क्या करोगे, 1, और फिर मैं 2 और 3 मतलब आगे बढ़ते चले जाऊंगा। 3 का मतलब हो गया ज्यादा वेट एज कंपेयर टू 2, एज कंपेयर टू 1 आपका। तो मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर वेट नहीं दिया हुआ, इफ वेट्स आर नॉट गिवन, वेट्स आर नॉट गिवन, और कहता है कि वेटेड प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालना है, तो मेरे बच्चे वेट जो आप दोगे ना, इनका इंपोर्टेंस जो तय करोगे डिसीजन लेने में, इनका सबसे कम यानी कि 1, फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से काम करेंगे। अब जरा बताओ वेटेड प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट इंटू वेट कितना आ गया, तो 5 लाख इंटू 1, 5 लाख रुपीज का अमाउंट हो गया। यहां देखो 6 लाख इंटू 2 यानी कि 12 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हो गया, और यहां जरा देखो आपका 4 लाख इंटू 3 ये 12 लाख रुपीज का अमाउंट निकल के आ गया। जरा बताओ ना इस तीनों को ऐड करके अमाउंट कितना निकल के आ गया, सर ये 29 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हो गया, 29 लाख। मेरे बच्चे अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें जानना होगा कि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, लिखिए मेरे साथ, अब आपको पता करना है कि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है। और मेरे बच्चे इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने ये जो आपका वेटेड प्रॉफिट है यानी कि 29 लाख, इसको आपको नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। निकाला ना अपने बचपन में सीखा होगा वेटेड मीन निकालना, उसी तरीके से बच्चे वेटेड प्रॉफिट निकालने, कितना वेट हो गया 6 आपका, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे। जरा बताओ अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है, तो सर ये 29 लाख का जो अमाउंट है इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो सर ये 4,83,333 है,
मेरे बच्चे ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालने आप आपका. अब जब इस मेथड से आप गुडविल निकालोगे ना इस मेथड से, तो जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है यानी कि 483333 इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इयर्स परचेज प्राइस यानी कि 2 से, तो जरा बताओ कितना निकल के आ गया. सर ये अमाउंट आ गया 9,66,667 का अमाउंट आपका. मेरे बच्चे शायद ये जो प्रॉफिट होगा, ये जो गुडविल होगा वो ज्यादा रियल होगा पिछले एवरेज प्रॉफिट से जिसमें हमने सिंपल मेथड को यूज किया था, क्योंकि यहां पे आपने प्रॉफिट का इंपोर्टेंस जो है उसको भी तय किया. जो जितना पुराना फिगर होगा उसको उतना कम वेट दीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेट को हम बढ़ाना शुरू करेंगे. बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ. लेकिन पता है ये तो तब था जब वेट नहीं दिया हुआ, लेकिन देखो ना पॉइंट नंबर सी इस क्वेश्चन का, इसमें वेट दिया है. बच्चे पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर सी क्या बता रहा. वन का पॉइंट नंबर सी कहता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकालिए. अगर वेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 1, 3 और 6 आपका है, 1, 3 और 6, तो आप लिखो ना यहाँ पे मेरे साथ. आप लिख रहे हैं यहाँ पे आपका थर्ड मेथड कौन सा आ गया जी, फिर से यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. लेकिन इस पर सिर्फ फर्क ये है कि वेट्स आर गिवन, मतलब जो वेट्स होंगे इंपोर्टेंट्स होंगे बच्चे आपके गुडविल को वैल्यू करने के लिए इन प्रॉफिट का, वो ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहा है. यानी कि दोनों कंपनी ने मिलकर पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हमें वेट कितना देना है. तो आप लिखो यहां पे ईयर क्या क्या बता रहा जी, 2004, 2005 और 2006. मुझे बताइए प्रॉफिट जो क्वेश्चन में बता रहा है वो कितना कितना आपका है. सर प्रॉफिट कहता है कि पहले 5 लाख का अमाउंट है, फिर कहता है 6 लाख का अमाउंट है, और फिर आपका 4 लाख का अमाउंट है. मुझे कोई बताए ना कि क्वेश्चन में इस बार वेट जो आपका है वो कितना कितना बता रहा है, वेट कितना कितना बता रहा है. सर क्वेश्चन में जो इस बार वेट आपको दिया हुआ है ना सर, वो कहता है 1, 3 और 6, मतलब इसको कहता है कि 1, 2, 3 और 6. मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन में वेट देगा तो आपने क्वेश्चन से झगड़ा नहीं करना, जो भी वेट दे कम ज्यादा किसी का आपको वही फॉलो करना होगा. तो मुझे बताओ जरा यहाँ पे आपका वेटेड प्रॉफिट क्या निकल के आ गया. वेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट इंटू वेट, 5 लाख का अमाउंट, 6 × 3 = 18 लाख का अमाउंट आपका हो गया, और यहाँ पे आपका 4 × 6 यानी कि 24 लाख का अमाउंट निकल के आ गया, 24 लाख. तो चलो बताओ ये टोटल कितना निकल के आ गया सर, 47 लाख का अमाउंट निकल के आया बच्चे, ठीक आ रहा ना सर? हाँ. और जरा बताओ वेट कितने निकल के आ गए, 10 आपका निकल के आ गया, 10 यहाँ पे निकल के आया. और बच्चे अब हमें अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करना, ये जो प्रॉफिट इनका है ना 47 लाख का, इस 47 लाख को इनके नंबर ऑफ वेट यानी कि 10 से डिवाइड कर दो, ये 4,70,000 का अमाउंट निकल के आ गया. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया दैट कम्स टू 470. अगर हमें गुडविल को वैल्यू करना है, मेरे बच्चे, तो इस बार ये 4,70,000 मल्टीप्लाइड बाय, जरा बताओ क्वेश्चन में ईयर्स पर प्राइस कितना दिया हुआ है, 2, तो ये अमाउंट कितना हो गया, ये 9,40,000. तो मेरे बच्चे 9,40,000 गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई. कुछ भी तो नहीं करना आपको, अगर वेटेड कहेगा तो वेटेड करना, सिंपल तो सिंपल कहना, वेट दिया है तो ठीक है, ना दे तो फिर 1, 2, 3 आप लगा देना, जितने ईयर्स होंगे उसके हिसाब से आपका बात खत्म होगी, बच्चे आपका. तो ये हमने क्या क्या आपको बताया एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाएगा. आप प्लीज कॉपी कर लो इसको. सर हो गया. एक बात बोलो बच्चे, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं सर नहीं. बताओ क्या बोलना चाहते हो सर? नहीं गुस्सा करेंगे. पर बच्चे जो बातें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई ना वो बिल्कुल गलत पढ़ाई, बिलीव करो, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से बोल रहा हूं बच्चे, जो पढ़ाया सब गलत पढ़ाया मैंने. मतलब आपके जैसा आंख बंद करके विश्वास करने वाला इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं है. पता नहीं आप कैसे बच्चे हो, क्यों आंखें बंद करके किसी पे विश्वास कर लेते हो, क्यों ऐसा होता है आपके साथ, क्यों ऐसा होता है सर? कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कह रहा हूं कि क्यों ऐसी बातें करें. आप मुझे बताओ, इस कंपनी ने जो एक कंपनी, मान लो आपका हच कंपनी थी, ये बिक गई, और जरा बताओ इस कंपनी को किसने परचेज किया था सर? वोडाफोन ने. भूल जाओ,
मान लो वोडाफोन ने परचेज नहीं किया, मान लो सीओसी ने परचेज किया, मान लो सीओसी ने, अरे सीओसी का नाम तो सुना ही होगा, खून खून में बसा हुआ है आपके, खून खून में बसा बचे सीओसी ने क्या क्या इस हज कंपनी को परचेज कर लिया। अब हुआ क्या मैं आपको बताऊं, ये हज कंपनी ने कहा सीओसी को कि देखो जी मैं पिछले 3 वर्षों से इतना इतना प्रॉफिट कमा रही हूं। हज ने कहा कि 5 लाख 6 लाख 4 लाख इतना प्रॉफिट कमाया, आप एक काम करो इससे गुडविल निकाल लो। और पता है क्या हुआ, अभी तक क्या निकल के आ रहा है, आप कहना चाहते हो कि सीओसी ने आंखें बंद कर ली, इन्होंने जो प्रॉफिट बताया उसमें हमने विश्वास कर लिया और उसी से क्या किया हमने गुडविल को निकाल दिया। ऐसा थोड़ा ही होता है बच्चे, ऐसा थोड़ा ही होता है कि वो आदमी जो बोल देगा हम उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे। ये जो प्रॉफिट 4 लाख 6 लाख 5 लाख रुपए इसने बताया ना, किसने, हज कंपनी ने, मैं इस प्रॉफिट पे पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर सकता, मैं इसको रिलाय नहीं कर सकता, मुझे पहले इसके अंदर में ये जो प्रॉफिट निकाला गया है, इस प्रॉफिट को निकालते समय कौन कौन से आइटम्स कंसीडर किए गए इनकी बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा अगला टॉपिक पता कहां पे आने वाला है, मैं अगले टॉपिक में आपको यानी कि इस कंपनी को सचेत करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी कंपनी को परचेज करो और गुडविल को वैल्यू करने की बात आई, और गुडविल को वैल्यू करते समय अगर प्रॉफिट को लेना है तो प्रॉफिट को लेते समय आप उस प्रॉफिट पे आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना जो प्रॉफिट इस ओल्ड कंपनी ने आपको बताया। सर मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो बच्चे, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप थोड़े से रियल हो जाओ और रियल होकर आप ना यहां पे थोड़ी सी मेरी बातें सुनो। ये देखो जरा मैं कुछ लिख रहा हूं, आप एक काम करोगे फ्रेश पेज लो, इस पेज में जितना भी जगह लग गया हो लगने दो, लेकिन आप फ्रेश पेज लो और लिखो मेरे साथ ऊपर में, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे ऊपर में हेडिंग डालेंगे आप बिल्कुल ऊपर में, आपका लिखेंगे मेरे साथ आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ, बिल्कुल फ्रेश पेज आप लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। पर बच्चे ओल्ड कंपनी ने जो प्रॉफिट हमें बता दिया कि हमने इतना इतना कमाया है, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं उस कंपनी का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पसंद करूंगा। सर ये क्या होता है, आओ जरा पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे बच्चे, और उसके बाद फिर क्या होगा हम क्लास को इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। जरा रुक जाओ, 2 मिनट रुको, कुछ मैं लिख रहा हूं आप मत लिखना, मेरी बात सुन लो। आप देखो एक टाटा मोटर्स है, नाम तो सुना ही होगा आपने, टाटा मोटर्स आपका, सर हां, पता है इस कंपनी को सीओसी ने परचेज कर लिया। सर क्या बात कर, तुम मजाक कर रहे हो क्या? ना बच्चे ना, मजाक नहीं कर रहा मजाक में आपको, आज शायद आपको ये मजाक लग रहा है लेकिन आज से 4-5 साल बस वेट करो, 4-5 साल के बाद आपको दिखेगा कि मार्केट में पता क्या हुआ, सारी कंपनी खत्म हो गई, टाटा बिरला रिलायंस सबको एक ही कंपनी ने परचेज किया जिसका नाम है सीओसी लिमिटेड। कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज मैं आपको दिखाऊंगा, आज हंसना हंस लो लेकिन 4 साल के बाद हंसने का मौका नहीं दूंगा। बस सर चुपचाप पढ़ाओ सर, बकवास मत करो। अरे बकवास नहीं कर रहा, मेरी बात मानो, मैं आपको प्रूफ करूंगा आज के बाद, पतंजलि वो भी परचेज करूंगा, वही परचेज करूंगा, सिर्फ एक ही कंपनी रह जाएगी सीओसी और कुछ भी नहीं। खैर चलो, मैं आपको मुद्दे से भटकाना नहीं चाहता, मेरी बात सुनो। देखो मान लो ये सीओसी जो है ना बच्चे, इस टाटा मोटर्स को परचेज कर रही है, बोलते भैया आप बताओ आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, मुझे इसकी गुडविल की वैल्यू को निकालना है ना। हाँ, सीओसी ने टाटा मोटर्स को परचेज किया, मतलब टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है ना बच्चे, बिजनेस कौन सा बिजनेस, मोटर का, मैं इस मोटर के बिजनेस को क्या कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इनके मोटर्स का जो बिजनेस है उसको परचेज कर रहा हूं, और हमने कहा कि बताओ हम आपके इस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो इस बिजनेस में आप कितना कमा रहे हो। सुना मैंने क्या बताया, हमने इनसे पूछा कि देखो जी बताओ इस बिजनेस में कौन सा, टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है आप बताओ इसमें कितना कमा रहे हो। तो टाटा मोटर्स ने कहा कि देखो जी हमें ये तो नहीं पता आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो, लेकिन हाँ हमने पिछले 2015 में 2016 में 17 में मान लो 3 वर्ष लेते कुछ भी हो सकता है, मान लो ये कहते हैं कि हमने जो प्रॉफिट निकाला था ना, हमने जो प्रॉफिट निकाला था अपने बिजनेस में,
यहां पे 20 लाख का प्रॉफिट निकाला था, यहां पे 30 लाख का प्रॉफिट हमने निकाला था और यहां पे 24 लाख का प्रॉफिट हमारा आया था। हमने तो इतना इतना प्रॉफिट निकाला, आप कौन से प्रॉफिट की बात करो जरा मुझे समझा दो। तो सीओसी ने कहा कि देखो जी, मैं आपने जो मुझे प्रॉफिट बताया ना 20, 30 और 24, मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा। मुझे तो सिर्फ वो प्रॉफिट बताओ जो आपने इस बिजनेस से कमाया है, मतलब मोटर्स को बेच के, कार जो बेचा आपने, ट्रक जो आपने बेचा, ये जो मोटर्स आप बेच रहे हो इससे कितना कमाया। तो टाटा ने पूछ दिया कि कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। सीओसी ने कहा कि एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है जरा इसका ध्यान से मुझे दिखाओ कि क्या क्या इसके अंदर आइटम्स है। बच्चे सीओसी ने क्या क्या, इनका जो रिकॉर्ड था ना 3 साल के प्रॉफिट का, उसको ध्यान से देखना शुरू किया तो देखते देखते सीओसी को पता चला कि यार ये जो इन्होंने 2015 में क्या हुआ था, मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, 2015 की कहानी सुना रहा हूं। ये जो टाटा मोटर्स का मालिक है ना बच्चे, रतन टाटा, वो क्या हुआ कि एक बार गया था पार्क में घूमने के लिए। वो पार्क में घूमने गया, सुबह सुबह की बात है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, सच्चाई बता रहा हूं। इनका प्रॉफिट मैंने देखा था तो क्या क्या मुझे दिखाई दिया। अब ये गए थे पार्क में घूमने के लिए, जैसे ही पार्क में घूमने गए, पार्क के दरवाजे के सामने एक लाश पड़ी हुई थी बच्चे, एक लाश पड़ी हुई थी, सच बता रहा हूं, इन्होंने कहानी मुझे बताया, मैंने देखा उनका रिकॉर्ड। जब उन्होंने क्या किया, जब लाश पड़ी हुई थी ना, तो उनका पैर उस लाश से टकराया, उन्होंने नजर नीचे किया, देखा कि यार यहां तो लाश पड़ी हुई है। फिर पता क्या हो क्या कि टाटा का जो मालिक था ना रतन टाटा, वो उस लाश के पॉकेट में हाथ डाला और पॉकेट में 5 लाख रुपए निकल के आ गए और वो 5 लाख रुपए वो चिल्लाने लगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया। और पता उस 5 लाख रुपए को उसने क्या क्या इस प्रॉफिट के अंदर में ऐड कर दिया, ऐड कर दिया मेरे बच्चे। 20 लाख का जो प्रॉफिट है, इसमें 5 लाख रुपए वो उसकी इनकम है जो कि वो लाश में से जो निकाला था पैसा, वो आपका है। एक बात बताओ कि क्या ये जो प्रॉफिट आप कह रहे हो कि इसमें 5 लाख लाश वाला मिला हुआ है, क्या वो प्रॉफिट ये भी कमाएगा क्या, क्या सीओसी भी वो प्रॉफिट कमाएगा क्या बच्चे, क्या सीओसी का जो मालिक है वो भी पार्क में घूमने जाएगा क्या? चलो चला भी गया, मान लिया पार्क में घूमने चला गया, तो क्या उसके भी पैर कोई लाश से टकराएगा क्या? सर टकरा भी गया, मान लो टकरा भी गया, तो क्या वो भी उसके पॉकेट में हाथ डालेगा क्या? और डाल भी दिया तो क्या श्योरिटी है कि उस लाश के पॉकेट से पैसे निकलेंगे? जरा बताओ क्या श्योरिटी है? सर कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कहना चाहता हूं कि सीओसी इनके द्वारा बताए हुए प्रॉफिट पर विश्वास नहीं करेगा, वो तो उस प्रॉफिट को जानना चाहेगा जो प्रॉफिट आपने सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से कमाया है। पर बच्चे आप देखो, लाश वाला प्रॉफिट, लाश वाले का मतलब विंडफॉल गेन की बात करना चाहता हूं। विंडफॉल गेन, अचानक कोई फायदा हो गया, लॉटरी लग गई, कोई पजल्स आपने जीत लिया, कुछ अचानक कुछ और फायदा हो गया, तो ये कोई क्लेम मिल जाना। मेरे बच्चे ये जो इनकम है ना, ये इनकम रूटीन में नहीं होते और ये आपके बिजनेस का इनकम नहीं है। मैं तो उस प्रॉफिट को निकालना पसंद करूंगा जो फ्यूचर में, जिस प्रॉफिट को मैं मेंटेन कर पाऊंगा। कौन मेंटेन कर पाएगा? सीओसी। मेरे बच्चे ये कंपनी जब इस कंपनी को परचेज करती है तो ये कंपनी कहती है भैया मैं इस प्रॉफिट पे विश्वास नहीं करूंगी, जो प्रॉफिट मैं फ्यूचर में, यानी कि आगे आने वाले समय में, जिस प्रॉफिट को मैं मेंटेन कर पाऊंगी उसको पता करने चाहूंगी। यानी कि मेरे बच्चे अगर इसमें 5 लाख रुपए वो विंडफॉल गेन मिला हुआ है तो पहले उसको आप हटाओ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस में जो आपके इनकम होते हैं, इस इनकम में इस एक्सपेंस को माइनस करके जो प्रॉफिट होगा सिर्फ वही बताओ और दूसरा कुछ भी नहीं। पता है एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, ये कहानी 2016 की है, बस सुन लो मेरी बात, आपको कुछ नहीं लिखना, सारी बातें लिखाऊंगा, बस मेरी बात सुन लो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुन लो मेरी बात। 2016 में क्या हुआ था मेरे बच्चे कि ये जो टाटा मोटर्स था ना, इनके बिजनेस में एक बार आग लगी थी और आग लगने से क्या हुआ था, 8 लाख का इनका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था, 8 लाख रुपए का लॉस हो गया था। इन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को निकालते समय वो 8 लाख रुपए माइनस कर दिया। करना ही था आपका, क्यों माइनस करना था जी? क्योंकि आपने क्या किया कि जो 30 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाला है, इसको निकालते समय 8 लाख एक लॉस हुआ तो आपको माइनस करना था, आपने किया भी है। लेकिन जरा बताओ ना, क्या ये आग जो लगा था इनके बिजनेस में, क्या ये रूटीन में होगा क्या?
क्या ये आग बार बार लगेगा क्या, और क्या ये सीओसी जब इसको परचेज करेगा तो उसके भी बिजनेस में आग लगेगा क्या, क्या सीओसी परचेज करने के बाद वो भगवान से मनाएगा क्या कि भगवान इनके बिजनेस में आग लगा था, 8 लाख का लॉस हुआ था, तो मेरे बिजनेस में भी हर एक वर्ष 8-8 लाख का लॉस कराना आग लगा के, कभी ऐसा होगा क्या? नहीं सर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पर बच्चे मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस इनकम आपने इसमें से प्लस माइनस किया है जो रूटीन में नहीं होता, जो रूटीन में नहीं होता, जिसको पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि यार ये तो रूटीन के खर्चे है नहीं, हमें उसका इंपैक्ट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस प्रॉफिट को निकालने की बात कर रहा हूं जो फ्यूचर में मेंटेन कर पाऊंगा। और हां, जो मेंटेन कर पाऊंगा, अगर पूरी बात करें ना तो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बात यहां पर ऑपरेशन की हो रही है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस को मैं परचेज कर रहा हूं उस बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मैं मेंटेन कर पाऊंगा, सिर्फ उस प्रॉफिट की बात उठ रही है। तो मेरे बच्चे अगर मान लो आपने इस प्रॉफिट को निकालते समय कोई आग लगा था और 8 लाख का लॉस हुआ था, आपने उस लॉस को इस 30 लाख रुपए में से माइनस कर दिया है, तो वो लॉस हम यहां कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एबनॉर्मल नेचर का आइटम है। हमें तो रूटीन में जो खर्चे एक्सपेंस इनकम होते हैं नॉर्मल नेचर के, उन्हीं की बात करो। आप माइनस कर चुके हो तो हमें क्या करना होगा जी, ऐड करना होगा मेरे बच्चे सही फिगर निकालने के लिए। बात समझ आ रही है? आप जरा सुनते चलो, आपको समझा रहा हूं। ये रटना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा आइटम प्लस करूं कौन सा माइनस करूं, समझना उतना ही आसान है। अरे ये जो आग लगी थी ना बच्चे 8 लाख रुपए का जो मेरा लॉस हुआ था, तो 2016 में टाटा मोटर्स जो है ना वो चली गई थी इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहती कंपनी भैया, कंपनी भैया हमारे आग में हमारे बिजनेस में आग लग गई है, 8 लाख का लॉस हो गया, कुछ दे दो ना क्लेम, हमें दे दो ना क्लेम यहां। तो मेरे बच्चे हुआ क्या कि 2017 में इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख रुपए का आपको क्लेम दिया था। क्लेम कितना दिया था जी? 5 लाख। किसी भी वर्ष में हो सकता है, मान लो 2017 में, जरा बताओ ना ये जो क्लेम आपको 5 लाख का मिला होगा, उस क्लेम को इस प्रॉफिट में आपने पहले क्या कर दिया होगा? टाटा ने क्या कर दिया होगा सर? ऐड कर दिया होगा, क्योंकि जब हमने जो चीज लॉस दिखाया था उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम मिलता है हम उसको इनकम दिखाते हैं, हम उसको इनकम दिखा चुके होंगे। लेकिन जरा बताओ क्या ये इंश्योरेंस क्लेम जो मिला वो बार बार होगा क्या? क्या हर एक वर्ष हमें मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं। जब हर एक वर्ष आग ही नहीं लगेगी तो क्लेम भी सर आपको हर एक वर्ष क्यों मिलेगा? मेरे बच्चे आपको एक काम करना होगा, इसके भी इंपैक्ट को खत्म करना होगा। अगर ये 5 लाख रुपए आप इसमें ऐड कर चुके हो तो आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम जो एबनॉर्मल नेचर का है, एबनॉर्मल मतलब जो चाहते नहीं कि हमारे बिजनेस में हो बट वो हो जाता है मेरे बच्चे, हमें उनके इंपैक्ट को खत्म करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। हमने किया था क्या कि 2017 में मान लो कुछ इंप्लॉय को हमने काम से निकाला था, टाटा कंपनी में ज्यादा इंप्लॉय हो गए थे, उन्होंने कुछ कंपनी में कुछ कंपनी से कुछ इंप्लॉय को निकाला था और 10 लाख रुपए का वीआरएस पेमेंट किया था बच्चे, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में पेमेंट किया था। ये वीआरएस का जो पेमेंट होता ना ये ऑर्डिनरी नहीं है, अरे नॉर्मल सी बात कर रहा हूं यार। बिजनेस जो मैं चला रहा हूं, मान लो मेरा काम इसको बनाना बेचना है, तो इसको बेच के जो पैसे आएंगे और इसके बेचने में जो भी ऑपरेशन में खर्चे क्या होगा उसको प्लस माइनस करो ना। एक एम्प्लॉय हमने ऐसे निकाल दिया, 10 लाख का पेमेंट करना पड़ा, ये कहां नॉर्मल आपका है? हर एक वर्ष थोड़े इंप्लॉय निकलेंगे इस तरीके से और हर एक वर्ष थोड़े हमें पे करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना, अगर माइनस किया तो हमें उसको यहां पे ऐड बैक करना होगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, जितने भी एबनॉर्मल नेचर के आइटम होते हैं, चाहे वो एक्सपेंस चाहे इनकम, अगर पहले आप उसको प्रॉफिट में प्लस माइनस कर चुके हो तो अब उनको माइनस प्लस करना होगा उनके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए। बात समझ में आ रही है सर? हां सर हां। और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, मैंने कहा ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन। और हां, जिस प्रॉफिट को फ्यूचर में मैं मेंटेन कर पाऊंगा, याद कीजिए जब गुडविल का हमने फॉर्मूला बताया था तो हमने कहा था कि भैया आप जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, मैं ये प्रॉफिट कितने वर्षों तक कमाऊंगा? अगर 2 तो हमने क्या किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। मेरे बच्चे अगले 2 वर्षों तक मैं जो कमाऊंगा मतलब जो नई कंपनी कमाएगी। सर सर क्या कहना चाहते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, बताना बात लॉजिकल है कि नहीं है। पता क्या हुआ बच्चे, ये जो कंपनी है ना आपका टाटा मोटर्स, ये जो प्रॉफिट निकाली है, इन्होंने क्या किया था, एक बिल्डिंग था, ध्यान सुनना, एक बिल्डिंग था और इस बिल्डिंग को इन्होंने क्या किया था बच्चे, रेंट पे लिया था, रेंट पे।
और ये टाटा कंपनी हर एक वर्ष 2 लाख रुपए का रेंट पे क्या करती थी, हर एक वर्ष 2 लाख रुपए का रेंट पे करती थी हर एक वर्ष। लेकिन जो सीओसी है ना बच्चे, इनको इनके पास अपनी बिल्डिंग है, इनके पास अपनी बिल्डिंग है, और जब ये काम को अपने पास लेकर आएंगे तो इस बिल्डिंग का जो रेंट ये पे करते थे अब ये पे नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या सीओसी जो प्रॉफिट कमाएगा आगे आने वाले समय में वो इतना ही कमाएगा या कुछ और भी कमाएगा? सर, और भी कमाएगा। जिस रेंट को आप यहां पे करते थे तो आपने प्रॉफिट में से माइनस किया था, लेकिन ये रेंट अब सीओसी नहीं कमाएगा, सॉरी सीओसी नहीं पे करेगा, क्योंकि इसका अपना प्रमाइसेज है। और अगर ये रेंट पे नहीं करेगा तो ये तीनों वर्ष का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका 2 लाख से क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो खर्चे आप करते थे लेकिन अगर मैं अब नहीं करूंगा तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट मेंटेन किया जाएगा उसमें वो भी हम ऐड करेंगे और आपका प्रॉफिट निकालेंगे। जेन्युइन प्रॉफिट निकालना है, जेन्युइन प्रॉफिट निकालना है। अब देखो ना, कुछ और बताता हूं। हुआ क्या था कि टाटा कंपनी जो है ना बच्चे, इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस जो चार्ज था वो नहीं पे किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि कौन इंश्योरेंस कराएगा, नहीं कराना मुझे आपका। लेकिन मेरे बच्चे, इस कंपनी ने इंश्योरेंस कराना कंपल्सन है, ये सेफ्टी इंश्योर करती है। तो अगर ये कंपनी इंश्योरेंस कराएगी इस बिजनेस का तो जरा बताओ कि खर्चे होंगे ना बच्चे? सर हाँ, सर हाँ। अब बताओ वो खर्चे, मान लो 10,000 आपका है, 10,000 है, क्या इसने अपने प्रॉफिट में माइनस किया है क्या? क्या इसने माइनस किया है क्या? नहीं सर, नहीं, इसने माइनस नहीं किया। क्या ये माइनस करेगा क्या? हाँ सर करेगा, तो वो भी खर्चे माइनस किए जाएंगे। मेरे बच्चे, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा मैं क्यों फालतू में बोलूं, कि जो प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को नई कंपनी फ्यूचर में मेंटेन कर पाएगी, और हाँ वो ऑपरेशन से होना चाहिए, ऑपरेशन को छोड़ के जो काम आपका, जिस चीज को मैं परचेज कर रहा हूं उसके छोड़ के कोई भी उल्टे सीधे खर्चे इनकम होंगे, कोई भी एबनॉर्मल नेचर के खर्चे इनकम होंगे, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो, इन्हीं बातों को मैंने आपके बुक में समझाया है, जरा चेक करो, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका एंड हो रहा है ठीक उसके नीचे में मैंने कुछ आपको लिखा है, जरा पढ़ो क्या बता रहा है। जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो रहा है बच्चे, उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो मेरी बात ध्यान से, मिला आपको? अरे बोल नहीं रहा, देखो ना लिखा हुआ है, देखो ना बुक में लिखा हुआ है कि सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या सुने जी? तो कहता है पॉइंट नंबर ए में कि ऑल नॉन रिकरिंग एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेज, जो भी नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते, जैसे वीआरएस पेमेंट हो गया, कहां बार बार हुआ आपका, कभी कभी आपका हो गया, या जैसे आपका आग लग गया, चोरी हो गया, या फिर कहता है कि आपका यहां पे एबनॉर्मल एक्सपेंसेज मतलब जो रूटीन में नहीं होते, नॉट लाइकली टू अकर इन फ्यूचर आर एडेड बैक, मतलब ऐसे उल्टे से चीजों को हटाएंगे। फिर कहता है नॉन रिकरिंग कैजुअल इनकम, वही जो लास्ट में से विंडफॉल गेन की बात कर रहा है, कहता है कि जो फ्यूचर में नहीं होगा उसको क्या करो जी, हटा दो प्रॉफिट में से। और हाँ, पॉइंट नंबर सी पढ़ना, एक्सपेंसेज लॉसेज एक्सपेक्टेड टू अकर इन फ्यूचर, जो खर्चे हमें लगता है कि फ्यूचर में करना पड़ेगा, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम आपका चार्जेस पे करना, अगर आपने, अगर पुरानी कंपनी ने माइनस नहीं किया तो मेरे बच्चे उसको माइनस करना पड़ेगा आपका। फिर डी कहता है कि ऑल प्रॉफिट लाइकली टू accrue इन फ्यूचर, जो प्रॉफिट ऑपरेशन से आगे हो सकते हैं हम उन्हें क्या करेंगे जी, एड करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हम सही प्रॉफिट को निकालना पसंद करेंगे, जो प्रॉफिट आपने ऑपरेशन से आप कमाते थे, या फिर अब मैं अब कमाऊंगा, जो आप कमाते थे उसमें से जो मैं कमाऊंगा, मतलब नई कंपनी कमाएगी। आइए इन बातों को ठीक से समझाने के लिए मेरे बच्चे, मैंने आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 तैयार किया है, आओ जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। पढ़ो जरा मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और देखो जरा, आपको यहाँ पे बातें समझ में आएंगी। मैंने जो इतना समय आपका बर्बाद किया कि मैंने क्या समझाया, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। आओ जरा हम जरा पढ़ें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, कहता है कि टाटा लिमिटेड डिजायरस ऑफ सेलिंग इट्स बिजनेस टू सीओसी लिमिटेड। लो आ ही गई बात यहाँ पे, अभी जो समझा रहा था वही बात आ गई। टाटा अपने बिजनेस को बेचना चाहता है सीओसी को, और कहता है कि हैज अर्न्ड द फॉलोइंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 वर्षों में उसने इतना प्रॉफिट कमाया है जी। कहता है कि आपका यहाँ पे 4,550,640 आपका, ठीक है मैं लिख दूं यहां पे, मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं, आगे पढ़ना क्या बता रहा, आगे पढ़ना। कहता है आपका
आप जरा एक काम करो, रुक जाओ यहां पे, बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, बिल्कुल लास्ट लाइन बीच में, बिल्कुल लास्ट लाइन बीच में, कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिला आपको, बिल्कुल लास्ट में देखो, आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट आप निकालना चाहते हैं जो सीओसी मेंटेन कर पाएगा आफ्टर परचेजिंग बिजनेस ऑफ टाटा लिमिटेड आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ना, अब क्या बता रहा है, अब पढ़ो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन कहता है डायरेक्टर्स फीस 50,000 पर ईयर विल नॉट बी पेबल बाय सीओसी लिमिटेड। जो 50,000 पर ईयर डायरेक्टर्स फी पे करता था टाटा, कहता है कि सीओसी पे नहीं करेगा क्योंकि उसका जो बोर्ड है वो आराम से इस काम को मैनेज कर लेगा। एक मिनट एक मिनट, अरे 50,000 पर ईयर टाटा पे करता था लेकिन सीओसी पे नहीं करेगा बच्चे, इसका मतलब क्या निकल के आया जी, कि नई कंपनी जो है वो इस खर्च को नहीं करेगी, और अगर वो खर्च नहीं करेगी तो जो प्रॉफिट टाटा ने डिक्लेयर किया है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आगे बढ़ना, रेंट कहता है कि 10,000 पर मंथ पेड बाय टाटा लिमिटेड विल नॉट बी ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ सीओसी एज द लेटर कंपनी हैज इट्स ओन प्रमाइसेज। रेंट टाटा तो पे करता था लेकिन मेरे बच्चे सीओसी नहीं पे करेगा क्योंकि इसका अपना प्रमाइसेज है। फिर कहता है टाटा लिमिटेड हैज नॉट ट्रांसफर इट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू सीओसी। अरे टाटा ने सब कुछ अपना ट्रांसफर कर दिया सीओसी को लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है मेरे बच्चे वो ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए कहता है कि 9,000 जो इंटरेस्ट है वुड नॉट बी अर्न बाय परचेजिंग यानी कि सीओसी। ऑब्वियस बात है, जब आप अपना हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे तो उस पर जो इंटरेस्ट आप कमाया करते थे ओल्ड कंपनी, वो नई कंपनी नहीं कमा पाएगी। तो ठीक है जी, आगे पढ़ना क्या बता रहा है, फोर्थ पॉइंट पढ़ना, टाटा लिमिटेड हैड आउटसोर्स्ड सम ऑफ इट्स बिजनेस वर्क फॉर एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,24,000। सुनो ना मेरी बात, टाटा अपने काम को आउटसोर्स किया करता था बच्चे, और इसमें 1,24,000 हर एक साल उसको पे करना पड़ता था। कहता कि ये जो 124 है ये टाटा पे करता था लेकिन कहता है हाउएवर सीओसी लिमिटेड हैज इट्स एनफ सरप्लस स्टाफ टू मैनेज द सेम। मतलब सीओसी के पास खूब सारे स्टाफ है और ये खर्च वो नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, इसलिए सेविंग होगा जी। बोलता बताओ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होगा। आइए जरा मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे सोल्यूशन कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का। लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो फ्यूचर में प्रॉफिट आप मेंटेन कर पाएंगे वो देखो कैसे निकाला जाएगा। तो आपका लिखो यहां पे ईयर का, वो ईयर का नेम नहीं बता रहा है तो हम लिख देंगे 1, 2, 3 आपका, ये कितने भी वर्ष हो सकते हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई चिंता नहीं करना। जरा बताओ प्रॉफिट जो क्वेश्चन में आपका गिवन है, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है किसका, टाटा का, वो कितना बता रहा है। सर 4 लाख का प्रॉफिट यहां पे है, यहां कहता है कि सर प्रॉफिट आपका 550 है 5.5 लाख रुपए, और यहां प्रॉफिट जो आपका तीसरे वर्ष में वो कहता है कि 6,40,000 6,40,000 रुपए। ये 3 वर्षों का प्रॉफिट आपका यहां, सर 3 वर्षों का प्रॉफिट है। अब जरा लिखो यहां पे, जरा बताओ वेट कुछ बता रहा है क्या, नहीं सर बात तो बाद में, पहले तो हमें फ्यूचर निकालना है। ठीक है मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, दो तरीका बता देता हूं आपको, जो अच्छा लगे वो काम कर लेना। पहले तरीके में क्या करेंगे आप ना, देखो पॉइंट नंबर वन में क्या बता रहा, पॉइंट नंबर वन में कि डायरेक्टर्स फी जो है ना 50,000 पर ईयर विल नॉट बी पेबल बाय सीओसी। जरा बताओ कि 50,000 पर ईयर चार्जेस पे करता था कौन, आपका ओल्ड कंपनी, नई कंपनी पे नहीं करेगा। अगर नई कंपनी नहीं पे करेगा तो बताओ ये जो प्रॉफिट है वो आगे आने वाले समय में कम होगा कि बढ़ जाएगा, बोलो ना, कम होगा कि बढ़ जाएगा, फ्यूचर में जो मेंटेन कर पाएंगे। सर बढ़ जाएगा सर, तो मेरे बच्चे हमें क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा यहां पे, हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो डायरेक्टर्स फीस जो आपका है, आप 3 वर्ष क्योंकि पर एनम चार्ज आपका है 50,000 से हर एक वर्ष का प्रॉफिट यहां पे बढ़ जाएगा, आप इसको ऐड कर दो। अगर आपने जो खर्च किया था अब क्योंकि नई कंपनी नहीं करेगी तो उस केस में क्या होगा जी, आपको यहां पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर टू पढ़ना, रेंट 10,000 पर मंथ, बोलो ना, अगर 10,000 पर मंथ है तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं सर, 12, तो 10,000 × 12 यानी कि 1,20,000 रुपए। बच्चे 1,20,000 रुपए जो है ना वो टाटा तो पे किया करता था लेकिन कहता है कि सीओसी नहीं पे करेगा क्योंकि उसका अपना प्रमाइसेज है। आप मुझे बताओ ना,
अगर सीओसी नहीं पे करेगा तो जो बिजनेस वो परचेज कर रहा है क्या उससे उतना ही प्रॉफिट कमाएगा क्या? नहीं सर, नहीं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर, क्योंकि रेंट जब नहीं पे किया जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि हमें क्या करना होगा बच्चे, रेंट का अमाउंट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और हर एक वर्ष, क्योंकि ये खर्चे हर एक वर्ष आपका होता है, तो 120 आपको ऐड करना पड़ेगा, 120 आपको ऐड करना होगा। रेंट जो टाटा पे करता था, मैं नहीं पे करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मैं तो वो प्रॉफिट निकालने का कोशिश कर रहा हूँ जो फ्यूचर में मैं मेंटेन कर पाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ना, और क्या बता रहा आपको यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 पे आना। अरे टाटा ने अपना इन्वेस्टमेंट सीओसी को नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, बोला कि भैया इन्वेस्टमेंट अपने पास रखूंगा। तो जब इन्वेस्टमेंट नई कंपनी के पास नहीं आया तो जो इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट पे नई कंपनी कमाया करता था, सॉरी ओल्ड कंपनी कमाया करता था, अब नई कंपनी नहीं कमाएगा। सुन लो मेरी बात, अरे जब इन्वेस्टमेंट मुझे मिला ही नहीं तो मैं उसका इंटरेस्ट कैसे कमाऊंगा, और जब नहीं कमाऊंगा तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने तो इस प्रॉफिट में अपने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है, लेकिन नई कंपनी नहीं कमाएगी तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को मुझे माइनस करना होगा। मैं तो वो प्रॉफिट निकाल रहा हूं जो नई कंपनी फ्यूचर में मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट तीनों वर्ष हमने कमाया होगा जी, तीनों वर्ष में हमने ऐड किया होगा, तीनों वर्ष में से माइनस कर देंगे, ये भी काम हो गया। और हाँ, फोर्थ पॉइंट में कहता है कि वो टाटा जो है ना, उसने आउटसोर्स किया है बिजनेस वर्क को फॉर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 124। टाटा 1,24,000 पे क्या करता था, सीओसी नहीं पे करेगा तो उस केस में सीओसी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब सीओसी जो प्रॉफिट कमाएगा इससे ज्यादा कमाएगा। आप यहां पे कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग ऐड कर दो, जो आपने यहां पे माइनस किया था उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जरा बताओ कितना निकल के आ गया, 124 और यहां पे 124, तीनों वर्ष में हमने क्या किया, यहां पे ऐड कर दिया। तो मुझे बताओ जरा, अब हमारा यहां पे सही प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद अब जो सही प्रॉफिट आएगा बच्चे, उसी को कहा जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मैं फ्यूचर में मेंटेन कर पाऊंगा वो जरा बताओ कितना निकल के आपका आ गया, तीनों वर्ष का जरा चेक कर लो आप यहाँ पे, तीनों वर्ष का। तो पहले वर्ष में आपका 5,70,000 में से माइनस कीजिए 9,000 का अमाउंट और प्लस कीजिए 124 का अमाउंट आपका, बच्चे ये आ गया 6,85,000 का। जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया, तो 7,20,000 माइनस 9,000 और प्लस आपका 1,24,000, बच्चे ये आ गया 8,35,000 का अमाउंट आपका, 835। और तीसरे वर्ष में क्या हो गया जी, तो 6,40,000 प्लस आपका 50,000 प्लस आपका 120 का अमाउंट माइनस आपका 9,000 और प्लस आपका 124 का अमाउंट, बच्चे ये अमाउंट आपका निकल के आ गया यहाँ पे 9,25,000 का, 9,25 का। तो देखो तीनों वर्ष का हमने क्या क्या प्रॉफिट निकाल दिया, जो आपका क्वेश्चन में बता रहा है, पहले वर्ष का, दूसरा, तीसरा आपका। मेरी बात सुनो, अब हमें क्या करना होगा जी, अगर मान लो आपको एवरेज निकालना है, मेरे बच्चे अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है गुडविल को निकालने के लिए, तो ध्यान रहे इसका हम एवरेज नहीं लेते हैं, हम हमेशा इसका एवरेज लेते हैं, ये हमारा सही प्रॉफिट है, इसी को ऐड करेंगे और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर वेटेड से निकालना है तो वेट इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये सही प्रॉफिट है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। आई बात समझ में, आई कुछ भी नहीं करना, रटने की कोई बात ही इसमें नहीं है। जो प्रॉफिट फ्यूचर में मैं मेंटेन कर पाऊंगा जी ऑपरेशन से हटके, कोई भी अगर प्रॉफिट उसमें मिला हुआ है, कोई भी एक्सपेंस मिला हुआ है, तो उसके इंपैक्ट को खत्म करना पड़ेगा, एबनॉर्मल नेचर के कोई एक्सपेंस इनकम है उनको भी हटाना पड़ेगा, और साफ सुथरा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो पता करो, काम पूरा करो। सर हम एग्जाम में कैसे जज करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा बच्चे, अभी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये तो खर्चे बिजनेस के ही नहीं, रूटीन में नहीं होते। अब बताओ वीआरएस का पेमेंट करना, आग लगना, चोरी होना, इंश्योरेंस क्लेम मिलना, वो लास्ट में से प्रॉफिट निकालना, ये रूटीन में थोड़ा ही होता बच्चे, तो हम उसके इंपैक्ट को खत्म कर देंगे। हाँ, जो खर्चे ओल्ड कंपनी क्या करता था नई कंपनी नहीं करेगा, उसको भी हम इंपैक्ट को सही करेंगे। आप नहीं करते थे, हम तो करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे जी। आप कोई एक्सपेंस है जो पहले नहीं करते थे, सॉरी आप एक्सपेंस करते थे, मैं नहीं करूंगा,
तो ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड कर देंगे। और यही सब तो काम करना है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में पढ़ने पढ़ाने को। लीजिए, हमारा काम पूरा हो गया। तो हमने आपको बताया फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन और कराओगे? अरे हाँ, मैंने कहा था इसके एक और भी तरीका कराने का, जरा सुन लो। आप लिख दो मेथड वन, मेथड वन आप ऐसे भी कर सकते हो, और मेथड टू एक और भी तरीका हमारे पास है, जो अच्छा लगे वो काम कर लेना। अब एक चीज देख रहे हो, सारे खर्चे ना जो प्लस माइनस हो रहे हैं तीनों वर्षों में हो रहे हैं, तीनों वर्षों में। तो बार बार प्लस माइनस करके टाइम क्यों बर्बाद करूं, क्यों ना मैं यहां पे फटाफट पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लूं, एवरेज प्रॉफिट निकालूं। एक मिनट मैं थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अगर मान लो इसी में समझाऊं पहले जी। अगर मुझे निकालना मेरे बच्चे एवरेज, एवरेज फ्यूचर, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, लिखो मेरे साथ यहां पे। अगर मान लो हमें एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, इस तीनों वर्ष का यहां पर अमाउंट एड करूंगा, तीनों को आपका 925 प्लस आपका 835 प्लस आपका 6,85,000, और तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा 24,45,000, और उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 ईयर से ना, 3 ईयर से डिवाइड कर दूंगा, ये आ गया 8,15,000। इस 8,15 को निकालने का एक और भी तरीका, मेथड टू, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। मैं कहता हूं कि यार बार बार प्लस माइनस करके एग्जाम में टाइम क्यों खराब करोगे, जल्दी से पहले ना आप एक काम करो, क्योंकि सारे खर्चे तीनों में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो तीनों वर्ष का, तीनों वर्षों का जरा बताओ कितना निकल के आ जाएगा, 4,550 और 6,40 ऐड करना जी, 4,00,000 रुपए का अमाउंट प्लस यहां पे 5,50,000 रुपए का अमाउंट, और प्लस आपका 6,40,000 का अमाउंट। तो बच्चे ये आ गया 15,90,000 और डिवाइड बाय थ्री बताओ कितना आ गया, ये सर ये आ गया 5,30,000, 5,30,000 रुपए। पर बच्चे अगर सारे चीजें बार बार प्लस माइनस करना, तो इससे अच्छा क्या है कि इस तीनों का क्या करो, आप पहले यहां पे एवरेज निकालो और एक ही बार प्लस माइनस कर दो जी। आप एक काम करना, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस आप बताओ कितना बता रहा, 50,000 ऐड करो यहां पे। ये देखो रेंट भी हमें ऐड करना है, बार बार प्लस माइनस करने के बाद एवरेज निकालकर आप एक ही बार कर दो, मीनिंग तो सेम निकल के आएगा। तीन बार प्लस करना, फिर तीन से डिवाइड करना, ये एक ही बार कर देना। आप यहां पे इंटरेस्ट जो आपका है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 9,000 माइनस करो, और वो जो आउटसोर्सिंग कॉस्ट है, आउटसोर्सिंग कॉस्ट भी आप यहां पे क्या करो, ऐड करो, कितना जी, 1,24,000। अब जरा बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, सेम आ जाएगा मेरे बच्चे 8,15,000। तो आपकी मर्जी है, ऐसे करो तो भी ठीक है, ऐसे करो तो भी ठीक है। हाँ, जब खर्चे तीनों वर्ष में कॉमन होंगे, इनकम तीनों वर्ष में कॉमन होंगे, तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर आइए, मैं सर एग्जाम में कौन सा तरीका होगा, आप जो कर लो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है जी, टाइम कम लगेगा इसके अंदर में, तो ये ज्यादा ठीक है, लेकिन वो आपके, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, आपके विवेक पे छोड़ता हूं। आपको जो अच्छा लगे, जो जिसमें बातें समझ में आ जाए, उस तरीके से कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई मार्क्स काटने वाला है। लीजिए, मेरी बात खत्म हो गई। मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊंगा इस टॉपिक को समझाने के लिए, थोड़ा सा और डीप में जाऊंगा, और एक क्वेश्चन मेरे बच्चे और मैं ऐसा कराऊंगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा। जरा आ जाओ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 3 सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, जरा पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है। कहता है सीओसी लिमिटेड, फिर से हुआ बच्चे कुछ फिर हलचल होने वाली है, कुछ फिर हलचल होने वाली है। देखो ना, सीओसी लिमिटेड ने इस बार अग्रेड टू परचेज बिजनेस ऑफ विप्रो लिमिटेड, लो विप्रो भी बिक गई। मैं क्या बताऊं, पिछले क्वेश्चन में टाटा बिकी थी, इस बार विप्रो बिक रही है, लेकिन मेन चीज क्या है कि दोनों ही क्वेश्चन में परचेज करने वाली कंपनी सेम है, सीओसी लिमिटेड। आपका कहता कि फॉर दैट पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट। सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सही क्या हुआ, वही फ्यूचर मेंटेनेबल। अरे वो बोले या ना बोले, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको निकालना ही निकालना है, क्योंकि गुडविल को वैल्यू करते समय सही प्रॉफिट लेना ही लेना है, क्वेश्चन बोले तो भी ना बोले तो भी। आपका वो कहता है कि प्रॉफिट जो आपका है 2016 से 2019 तक, मेरे बच्चे बता रहा आपका 40,400,
49,600 आपका 50,000 एंड 60,000 कहता है कि फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. कहता है कि पॉइंट नंबर वन में ए में सॉरी कि फर्स्ट 9/2018 को मेजर रिपेयर हुआ था प्लांट मशीनरी में 12,000 का एंड चार्ज टू रेवेन्यू. रुको रुको ये कैसा अकाउंटेंट है, ये कैसा अकाउंटेंट है, कैसा मंद बुद्धि है बच्चे, इसको नहीं पता कि अगर मैं एसेट्स में मेजर रिपेयर करता हूं, मेजर रिपेयर जब किए जाते हैं तो उससे एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. जब कोई बड़ा रिपेयरिंग होता बच्चे, जैसे बिल्डिंग पे एक फ्लोर का और बना देना, सुनो मेरी बात, मैंने अपने गाड़ी के इंजन को चेंज करा दिया, पहले आपका मान लो पेट्रोल था, अब मैंने सीएनजी करा दिया. तो जब कोई मेजर रिपेयर होता है ना तो इससे एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, और जब एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ती है तो हमें AS10 कहता है कि आप उसको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दो, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दो और उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो. लेकिन इस मनबुद्धि ने, इस बेवकूफ ने, इस इंसान ने उसको एसेट्स में ऐड करने के बजाय उसने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, मतलब प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया. ये गलत है मेरे बच्चे, गलत है. ऐसी प्रॉफिट पे सीओसी विश्वास नहीं करेगा. मानता हूं कि विप्रो को अकाउंट्स नहीं आता, बट सीओसी तो अकाउंट्स जानता है, सीओसी तो जानता है, वो तो सही प्रॉफिट निकालेगा. आगे बढ़ना, क्या बता रहा है यहां पे, आगे बढ़ना. कहता है क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिस वॉज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल सब्जेक्ट टू 10% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपका. ठीक है, देख लेंगे आगे. आगे पढ़ना बी में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो 2017 का है वो ओवर वैल्यूड है. ओहो, ये कैसा इंसान है, इसके अकाउंटेंट की मतलब क्या क्या किस लेवल का बंदा, समझ में नहीं आ रहा है. कहता कि क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा वैल्यू कर दिया यार, हमें इस गलती को भी सुधारना पड़ेगा. और पॉइंट नंबर सी में कहता है कि इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एनुअल चार्ज, एनुअल करना अंडरलाइन, एनुअल हर एक वर्ष 9600 शुड बी मेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. मेरे बच्चे कह रहा है कि यहां पे जो जो नई कंपनी है शायद उसको इस कंपनी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में हर एक वर्ष 9600 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा. तो मेरे बच्चे अगर नई कंपनी को खर्च करना पड़ेगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम निकालने फ्यूचर में नई कंपनी जो प्रॉफिट मेंटेन कर पाएगी. आओ ना इस बात को समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आपको बताएं. लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. वो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, कहता है कि सर वो कहता है कि आपका कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, आपका हमें यहाँ पे गुडविल निकालना चाहिए कौन से बेसिस पे, ऊपर में कहा था 3S परचेज प्राइस आपका. ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हमें तो पहले गुडविल को निकालने के लिए पहले यहाँ पे लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. हमें बिना इस प्रॉफिट को निकाले बगैर बच्चे, गलतियों को सुधारे बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे. आप लिखो यहाँ पे ईयर, कौन कौन सी ईयर की बात कह रहा है. सर वो कहता है कि 2016, 2017, 2018 and 2019 फोर ईयर्स की बात कर रहा है. चार वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है आपका. जरा बताओ प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, वो कितना कितना बता रहा है आपको यहाँ पे. सर प्रॉफिट पहले वर्ष में ना सर 40,400 का अमाउंट आपका है. सर दूसरे वर्ष में 49,600 का अमाउंट आपका है. सर तीसरे वर्ष में 50,000 का प्रॉफिट है सर. एंड फोर्थ ईयर में सर 60,000 का प्रॉफिट आपका है, 60,000 का प्रॉफिट है. तो चार वर्षों का प्रॉफिट आपको बता दिया मेरे बच्चे. इस प्रॉफिट में कुछ गलतियां हैं, कुछ पाप हो गए बच्चे, उस अकाउंटेंट ने कुछ पाप कर दिया है, कुछ गलतियां कर दी हैं. उन गलतियों को, उन पापों को हमें धोना पड़ेगा, हमें उसको पवित्र करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट से हम गुडविल को निकालेंगे. पढ़ो ना पॉइंट नंबर ए में क्या बता रहा. पॉइंट नंबर ए में वो कहता है कि 2018 के 1 नवंबर को, रुको रुको मैं कुछ बताऊं आपको, 2018 यहां इस वर्ष की बात कर रहा है. तो मैं काम करूं क्या, मुझे समझाना है ये डायग्राम जो बना रहा हूं, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में नहीं लिखना. कहता कि 2018 आपका ये करंट ईयर है, जो 1 जनवरी आपका 2018 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2018 का है. बच्चे कहता है कि यहां 1/9/2018 को, यही ना, यही डेट बता रहा ना. सर हां सर हां, एक रिपेयर किया था आपने, मेजर रिपेयर 12,000 रुपए का, और आपने कहां चार्ज किया, रेवेन्यू में, मतलब एक्सपेंस दिखा दिया. मेरे बच्चे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप. आपने उसको एक्सपेंस दिखा दिया यार,
जबकि वो एक्सपेंस ना होके वहां पे क्या दिखना चाहिए, वो एसेट्स दिखना चाहिए। तो आपने अगर एक्सपेंस को दिखा दिया है तो मुझे इसका इम्पैक्ट को खत्म करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक्सपेंस दिखाने से इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कम हो चुका है। अगर मैंने गलती से कोई एक्सपेंस दिखा दिया तो एक्सपेंस दिखाने से प्रॉफिट क्या हो चुका है जी, कम हो चुका है। हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा मेरे बच्चे। तो आप इस प्रॉफिट को ऐड करेंगे, जरा बताओ कितना प्रॉफिट कह रहा है ऐड करने के लिए। सर देखो ना, वो कहता है कि 12,000 का अमाउंट आपका है। मेरे बच्चे, आप यहां पर 12,000 ऐड कर दो। ये जो प्रॉफिट उसने निकाला है, इस प्रॉफिट को निकालते समय एक जो एसेट्स था उसको एक्सपेंस ग्रुप में दिखा दिया। एक्सपेंस दिखाने से प्रॉफिट कम हो चुका है, मेरे बच्चे बढ़ाना पड़ेगा। हमने उसको बढ़ा दिया, प्रॉफिट को हमने सही कर दिया। कितने से जी आपका? 12,000 साहब का। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक गलती तो सुधार दी, एक्सपेंस को हटा के हमने एसेट्स मान लिया। लेकिन सोचो ना, आप इतने प्यारे बच्चे हैं, आप इतने प्यारे बच्चे हैं, बच्चे जरा सुनो मेरी बात। अगर मैं उसको यहां पे एसेट्स ग्रुप में दिखाता, अगर मैं एसेट्स ग्रुप में दिखाता तो मेरे बच्चे उस केस में आपको ये टाइम पीरियड 9, 10, 11, 12, 9 के स्टार्टिंग हो रहा है इसलिए 9, 10, 11, 12 चार महीने का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता। अगर आपने उसको एक्सपेंस की जगह पे एसेट्स दिखाए होते जो दिखाना चाहिए था, तो फिर बच्चे आपको वो भी तो सुधारना होगा। अगर हमने एक्सपेंस नहीं माना और हमने अगर एसेट्स माना तो एज एसेट्स उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना चाहिए था चार महीने का। जरा जल्दी से बताओ और देख के बताओ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट क्या बता रहा है। सर 10%। तो फिर बच्चे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इस 12,000 पे 10% के हिसाब से और कितने महीने का जी, चार महीने का यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, है ना। गलतियां मैं सुधार रहा हूं, जहां जहां जो जो गलती हुआ, जो भी उसका इंपैक्ट, मैं उसको सही कर रहा हूं मेरे बच्चे। तो आपने क्या किया, 1200 इंटू आपका 4/12, ये अमाउंट निकल के आ गया 400 रुपए। तो आपने 400 रुपए यहां पर क्या करना, इसको ये लिख देता हूं मैं यहां पर, 400 रुपए का अमाउंट आ गया, उसको माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर, आगे बढ़ो ना आगे। सर एक सवाल दिमाग में उठ रहा है, मत उठने दो बच्चे। अरे जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है मेरे दिमाग में आ चुका है। मैंने कहा ना, मेरे जो ये जो नशे है ना बच्चे, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखो ना, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही। सर एक बात बताओ, अगर आपने यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो सर 2018 के बाद 19 में भी तो चार्ज होगा सर, 19 में भी तो चार्ज होगा। हाँ बच्चे हाँ, मैं 19 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, वहीं पे थोड़े अगले वर्ष भी चार्ज करूंगा। और मजे की बात है कि 2019 में आपने इस एसेट्स को पूरे साल आपने यूज किया है, पूरे वर्ष आपने यूज किया, क्योंकि यहां पे तो पूरे वर्ष चले गए। तो जरा बताओ कौन सा मेथड कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? सर डिमिनिशिंग। तो बताओ 12,000 में 400 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बच गई होगी? 11,600। और रेट क्या बता रहा है डेप्रिसिएशन का? 10%। कितने समय का? पूरे वर्ष का। तो मेरे बच्चे यहां पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 1160 का अमाउंट आपका। गलतियां जब सुधारेंगे तो जितने वर्ष में उसका इंपैक्ट जाएगा, हर एक वर्ष में सुधारना होगा। वही काम कर रहे हैं मेरे बच्चे। आपने क्या किया, ये आपने पहले तो एक्सपेंस माना था, उसके इम्पैक्ट को खत्म किया। लेकिन हाँ, जब एसेट्स मानूंगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहां भी वही हमने चार्ज कर दिया। मेथड क्या बता रहा है? डिमिनिशिंग। एक बात और सुन लो, अगर एग्जाम में मेथड ना भी बताए ना तो आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि डिमिनिशिंग ही फॉलो करना। अगर एग्जाम में आपको मेथड ना बताए कि डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से चार्ज किया जाएगा, तो भी आपने क्या करना है? डिमिनिशिंग मेथड को ही फॉलो करना है, डिमिनिशिंग मेथड को ही फॉलो करना है। बात समझ में आ गई? सर हाँ सर हाँ, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, हमने ये गलती खत्म किया, इंपैक्ट सही किया बच्चे। पॉइंट ए तो हो गया, पॉइंट बी में आइए। इसको मिटा दूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ये कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको रफ में कहीं दिखा सकते हो, बट एग्जाम में इसको नहीं दिखाना, आपको सीधा ये करके दिखा देना है। और हाँ, मैं इस क्वेश्चन में मैं इनका एवरेज निकाल कर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो खर्चे हो रहे हैं वो चारों वर्ष में, इसका इम्पैक्ट नहीं है किसी एक वर्ष में ही हो रहा बच्चे, एक या दो में। तो हमें चारों को अलग अलग सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा आगे पढ़ना, पॉइंट नंबर बी कहता कि क्लोजिंग स्टॉक जो 2017 का है वो ओवरवैल्यूड है। मेरे बच्चे यहां देखो, 2017 मैं यहां लेकर आऊं, 17 हमारा ये रहा, मैं अब यहां पे समझा रहा हूं आपको। देखो ये जो प्रॉफिट निकाला गया होगा ना, मान लो इन्होंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाया होगा,
ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में कहता है कि यहां जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक कहता है कि मेरे बच्चे आपका ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, ज्यादा दिखा दिया। देखो ना, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। आप जानते हो कि आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये हमारा एक्सपेंस साइड होता है और ये हमारा इनकम साइड होता है बच्चे, इनकम साइड। इनकम में एक्सपेंस को माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पे प्रॉफिट को निकालते हैं। सुनो तो मेरी बात। अगर आपने इनकम साइड को ज्यादा दिखाया, अगर आपने इनकम ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट आपका क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। मेरे बच्चे इनकम साइड के जो आइटम्स होते हैं, चाहे वो सेल्स हो जाए, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाए, कोई भी नाम जो इनकम साइड में लिखे जाते हैं, अगर आपने इनको ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट आपका ज्यादा निकल के आ जाएगा। अगर आपने कम दिखाया तो प्रॉफिट आपका कम निकल के आ जाएगा, क्योंकि इनकम है। इनकम ज्यादा जितना दिखाऊंगा वो क्या होगा, प्रॉफिट उतना ज्यादा निकल के आएगा, वाइस वर्सा। अगर आपने एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया, मेरे बच्चे एक्सपेंस साइड के आइटम को ज्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। समझो मेरी बात ना। सर हाँ सर हाँ, ये क्या कह रहा है? सर ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, क्लोजिंग स्टॉक ये आपका 4800 हमने ज्यादा लिखा हुआ है, सर ज्यादा लिखा हुआ है, कहता है कि ओवर वैल्यूड है। सुनो 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 मेरी बात। अरे जरा बताओ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक 4800 आपने ज्यादा लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया है, तो बताओ जो प्रॉफिट निकल के आया होगा वो प्रॉफिट कम या ज्यादा? सर ज्यादा निकल के आया होगा, ज्यादा, क्योंकि इनकम साइड जितना ज्यादा लिखेंगे प्रॉफिट ज्यादा निकल के आएगा। मुझे बताओ इस गलती को सुधारने के लिए मुझे क्या करना होगा? सर हमें 4800 से इसको माइनस करना होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा निकल गया है तो नई कंपनी इसे विश्वास नहीं करेगा, इसको सही करने के लिए कम करना पड़ेगा। आप एक काम करो, ये जो प्रॉफिट है 2017 का, इसमें 4800 क्या करो जी, आप यहां पे माइनस कर दो। ज्यादा था ना बच्चे, समझो मेरी बात। अरे इनकम ज्यादा लिखा तो प्रॉफिट क्या ज्यादा निकल के आया, हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कर दिया हमने कम यहां पे, आपका कर दिया कम यहां पे। बात समझ में आ गई? सर हां सर। लेकिन ठहरो, इसका एक और भी तो पहलू है, इसका एक और भी पहलू मेरे बच्चे। अरे जरा समझो ना मेरी बात। जो 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपके 2018 यानी कि अगले वर्ष का वो क्या बन जाएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मेरे बच्चे 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले वर्ष का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष के अंत में और अगले वर्ष के शुरुआत में सिर्फ एक सेकंड का तो फर्क होता है। 12 बज के 1 सेकंड होते ही अगला दिन हो गया और उसके पहले आपका पिछला दिन हो गया, यही बात निकल के आता है ना। सर हाँ सर हाँ। तो सोचो ना, अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा लिखा तो अगले वर्ष का जो आपका ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक, ये भी आपका 4800 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। ये एक्सपेंस साइड है। एक्सपेंस साइड अगर ज्यादा रिकॉर्ड हो गया मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट आपका जो है वो कम आया हुआ है 4800 से, और इसको सही करने के लिए हमें 4800 से प्रॉफिट को क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉफिट कम निकाला है तो प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, यानी कि इसका अगला इंपैक्ट अगले वर्ष में आ जाएगा, 4800 का अमाउंट आपको यहां पे ऐड करना होगा। एक तरीके से इंपैक्ट नल हो गया, एक में माइनस तो दूसरे में प्लस हो गया। हां, अगर आपका दिमाग ये बोल रहा है कि सर इसका इंपैक्ट फिर अगले वर्ष क्या होगा, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, अगले वर्ष क्यों इसका इंपैक्ट नहीं होगा, मैं आपको समझाऊं। आप याद रखना, पिछले वर्ष का एंड अगले वर्ष का शुरुआत होता है। अगर गलती यहां पे होगी तो गलती अगले भी होगी, लेकिन 2000 के साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक आप निकालते हो बच्चे, इसको निकालते समय इसका कोई मतलब नहीं होता। पता है रियल लाइफ में क्या होता है, हर एक वर्ष के एंड में हम गोडाउन में जाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, हर एक वर्ष के एंड में हम गोडाउन में जाते हैं, हमारे गोडाउन में जितने भी सामान होते हैं ना बच्चे, हम उनका वजन करते हैं, वो कितने हैं, और उस सामान को उस टाइम के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम उस समय की वैल्यू को निकाल लेते हैं। सुनो मेरी बात, यहां पे जब हम वैल्यू करते हैं स्टॉक को, तो हर एक वर्ष के एंड में काम किया जाता है। ओपनिंग में उसकी वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी, उससे कोई मतलब नहीं बनता आपका। यहां पे हर एक वर्ष के एंड में जाएंगे गोडाउन में, सामान को वजन करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, काम पूरा हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी वर्ष के क्लोजिंग स्टॉक में इंपैक्ट हुआ तो अगले वर्ष के ओपनिंग में लेकर आएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट इस साल के क्लोजिंग में नहीं आएगा मेरे बच्चे।
क्लोजिंग में नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूरे एक वर्ष का गैप हो गया और हर एक साल के एंड में हम क्या करते हैं, स्टॉक को वैल्यू करते हैं तरीके से आपको, है ना। तो गलती जब होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग को देखना, लेकिन उसके आगे मत सोचना, क्योंकि ये मान तो हम क्वेश्चन करेंगे कि अगले वर्ष हमने सही काम किया होगा, अदरवाइज क्वेश्चन पक्का बताएगा कि नहीं जी कुछ ऐसी बातें हुई है। ठीक है, हमने वो भी सुधार लिया, और भी कुछ है क्या सर? हाँ सर हाँ, पॉइंट नंबर सी में कहता है कि इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कहता है कि एनुअल चार्ज, एनुअल मतलब हर एक वर्ष आपको 9600 माइनस करना है। आओ ना माइनस करते हैं। तो हर एक वर्ष हमने क्या किया, यहां भी 9600 माइनस किया आपका, यहां भी 9600 माइनस किया, हर एक वर्ष आपका ये कहता है कि नई कंपनी को खर्च करना पड़ सकता है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया आपका यहां पे अमाउंट। तो अब ना इनको प्लस माइनस करके मेरे बच्चे अब पता करो चारों वर्षों का यहां पे आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है। चारों वर्षों का हम निकालते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो आप देखो ना, पहले वर्ष में हमने क्या बोला, 40,400 माइनस आपका 9600, ये आपका निकल के आया 30,800 का अमाउंट। दूसरे वर्ष में बताओ जरा कितना आ गया, 49,600 माइनस आपका 4800 और माइनस करेंगे आप 9600, बच्चे ये आ गया 35,200 का अमाउंट। तीसरे वर्ष में बताइए कितना हो गया सर, 50,000 प्लस यहां पे 12,000 सर, माइनस करेंगे आप यहां पे 400 प्लस करेंगे 4800 और सर माइनस करेंगे आप 9600, सर ये अमाउंट आपका आ गया 56,800 का अमाउंट आपका। और देखो ना, लास्ट ईयर में ये जो 60,000 का अमाउंट है, इसमें से आपने 1160 माइनस किया आपने 9600, पर बच्चे ये अमाउंट आ गया 49,240 का। अगर आपको जरा चारों का ऐड करना, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए हम इसी से बढ़ते हैं, आपका 56,800 भी ऐड किया हमने यहाँ पे, 35,200 भी ऐड किया हमने एंड 30,800 का अमाउंट भी ऐड किया, ये आ गया 1,72,040 का अमाउंट आपका। पर बच्चे अगर आपको निकालना यहाँ पे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो निकालना है गुडविल को वैल्यू करने के लिए, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो ये 1,72,040 को आपको 1,2,3,4 से डिवाइड करना है। जरा बताओ कितना निकल के आ गया सर, ये अमाउंट आ गया 43,010 का अमाउंट। आओ ना अब हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल को निकालने के लिए आपने क्या करना है, यही प्रॉफिट 43,010 मल्टीप्लाइड बाय, जरा पढ़ के बताओ कितने ईयर्स की बात कर रहा है सर क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 years परचेज प्राइस सर, फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन बता रहा है कि 3 years परचेज प्राइस 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 1,29,030 का अमाउंट आपका, 1,29,030 ये हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। आप समझो मेरी बात ना, मैं आपको नहीं चाहता आप कुछ भी रटो, बस बातों को समझ लो, क्योंकि एग्जाम में इससे हटके कुछ आएगा नहीं बच्चे, इससे हटके कुछ आएगा नहीं, आप ये काम कर जाओगे मैं जानता हूं। हाँ, अगर क्वेश्चन में वेटेड मेथड होता तो फिर बच्चे मैं इनको लिखकर इनका वेट देता, अगर वेट ना बोले तो 1,2,3,4 वेट देगा तो इसको मल्टीप्लाई करता, मतलब इसके बाद इससे हम काम करते हैं गुडविल को निकालने के लिए, अगर वेटेड मेथड की बात करता। ये बात आपको फोर्थ क्वेश्चन में मिल भी जाएगा, अगर आप सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन करा दो तो मैं नहीं कराने वाला, अगर आप कहते हो कि सर फोर्थ क्वेश्चन करा दो नहीं कराऊंगा, बस मेरी बातें सुन लो, शायद आप खुद चिल्ला के बोलोगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप छोड़ दो हम खुद कर लेंगे। पढ़ो ना फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, होमवर्क है करना आपने बच्चे, मैं सिर्फ पढ़ के बता दूं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बिग बी लिमिटेड, प्रॉफिट कहता है पिछले चार वर्षों का, 15, 16, 17, 18 का बता रहा बच्चे, कहता है कि ऑन गोइंग थ्रू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी इट वॉज फाउंड दैट प्रॉफिट आर बिफोर मैनेजर रेमुनेशन आपका ऑफ 50,000 आपका 15 में 70, 16 में 80, 17 में आपका 1,00,000 माफ कीजिए गलत पढ़ा हमने, प्रॉफिट आर बिफोर रेमुनेशन आपका 50,000 2015 में, 70,000 16 में, 80,000 कहता है कि 17 में एंड 1,00,000 कहता है कि आपका ये, कहता है कि इसमें रेमुनेशन माइनस नहीं हुआ है, तो कर देंगे माइनस। अरे मैनेजर का जो रेमुनेशन वो भी तो एक्सपेंस ही है, अगर माइनस नहीं किया तो कर देंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ना। बी में कहता है कि 2015 में एक
फ्लड आया था बच्चे और आपको 45 हजार का लॉस हो गया था, ये एबनॉर्मल है, हम इसके इंपैक्ट को खत्म कर देंगे। सी में कह रहा कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है वो आपका 2016 का ओवर वैल्यूड है। तो ठीक है जी, अगर 2016 का ओवर वैल्यूड है तो हम सही करेंगे, जैसे यहां पे हमने किया था, ये देखो हमने किया था ना बच्चे सही, हमने यहां पे सही कर लिया। लेकिन ध्यान दो इस पर क्या बोलता है, लेकिन ध्यान सुनना, कहता है कि हाउएवर 2017 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो करेक्टली वैल्यूड है। अरे हमने जो पिछला काम किया उससे सिंपल, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, हमने तो पिछले साल का एंड और अगले साल के स्टार्टिंग में दोनों जगह इंपैक्ट देखा, बट बोलता है कि ना ना ना, ये क्वेश्चन कहता है कि यहां तो सही करो लेकिन यहां आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि वो कहता है कि हमने ओपनिंग स्टॉक सही कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक जो अगले वर्ष का है बिल्कुल सही है, तो हम क्वेश्चन को सम्मान देंगे। अगर वो कहता है कि सही है तो फिर हम उसको कुछ नहीं करेंगे जी, हम सिर्फ क्या करेंगे, एक जगह इंपैक्ट को दिखाएंगे यहां पे जहां पे हमने सही करना। ठीक है, आगे पढ़ना डी पॉइंट में, एक 25,000 का रिपेयर हुआ था जी प्लांट के इंप्रूवमेंट पे, जब भी इंप्रूवमेंट होता है यानी कि एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन हाउएवर अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, आपने एक्सपेंस दिखा दिया, कहता नाउ इट इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब एसेट्स ग्रुप में दिखाना, हम दिखाएंगे जी, हम पक्का दिखाएंगे, और कहता है कि आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना, कर लेंगे, बोलता कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, और लो क्वेश्चन ने आपको वेट दे दिया 1, 2, 3, 4, मेरे बच्चे कुछ नहीं है, आप सही करते हुए निकाल लेना, यहां पे वेट लिखना 1, 2, 3, 4, वेटेड प्रॉफिट निकालना, चारों को ऐड करना, 4 से डिवाइड करना, हो जाएगा। ऐसे मैंने बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चों को इस सॉल्यूशन को देखने की नौबत नहीं आएगी, वो ये क्वेश्चन कर जाएंगे, ये क्वेश्चन कर जाएंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 5 भी है मेरे बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है, कुछ भी नया नहीं, ऐसे क्वेश्चन की भरमार है, बार बार रिपीट करता है बच्चे, बार बार रिपीट करता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अब मेरे बच्चों से हो जाएगा। लीजिए मैं इसको मिटाता हूं, मैंने आपको एक तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड जो फर्स्ट मेथड था वो मैंने आपका एंड करा दिया, तो बच्चे फर्स्ट मेथड जो आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने एंड करा दिया। अब मैं आपको आगे लेकर आता हूं दूसरे मेथड के पास आपका। सर ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, क्या बात करते हो, अरे बोरिंग कहां है बदमाश, कहां बोरिंग है, इसमें तो और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ रहे हो, दो दो कंपनियां मैं परचेज कर चुका, दो दो कंपनियां, एक बात बताऊं सच्चाई में आपको, आप किसी को बताना नहीं, ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, और बच्चे मैं एक ही काम कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि इसमें सक्सेस पाऊंगा। इंडिया में जितनी सारी कंपनीज हैं उन सारी कंपनी को सीओसी के अंडर में लेकर आना, मैं इस प्रोसेस में लग चुका हूं, कई सारी कंपनी से नेगोशिएट हो रहा है मेरे बच्चे, कई सारी कंपनी बात मान चुकी है क्योंकि उनको पता है कि हमारा तो अस्तित्व तो मिटना ही मिटना है, इससे अच्छा है कि आओ जी इस कंपनी को हम अपने आप को बेच देते, वही काम हो रहा है बच्चे, वही काम हो रहा है। लेकिन एक्चुअली जब कंपनीज अपने आप को मुझे बेच रही है ना, तो जब मैं उस कंपनी के गुडविल को वैल्यू कर रहा हूं, तो पता नहीं क्यों दिमाग में ना, और दिल में, दिल कहां होता है, जहां भी, दिल में एक टिस्टिस सा हो रहा है। सर क्यों हो रहा है वो टिस्टिस सा, सर टिस्टिस क्या होता है, मतलब दिल में दुख रहा बच्चे, जब मैं गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू कर रहा हूं तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अरे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्यों निकालो, क्यों, ये तो ठीक नहीं लगता। पता है अगर आप सही में गुडविल को वैल्यू करना चाहते हो तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है ना बच्चे, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है गुडविल को वैल्यू करने का। सर क्यों, सर पिछले वालों में क्या खामी है और क्यों आप इसको अच्छा मेथड बता रहे हो, आओ ना मैं आपको बताऊं इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है। पता है पिछले वाले मेथड में क्या क्या, मेरे साथ लॉजिक लगाओ, बस मेरे साथ सोचो समझो और फिर मुझसे बात करना, आप कुछ रटोगे तो फिर काम खराब होगा, आपका भी मेरा भी, मैं वो काम नहीं करना चाहता, बस सुनो समझो मेरे साथ बातें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। पता अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी अभी लिखना बंद करना, सीओसी ने जब टाटा को परचेज किया तो कहा कि टाटा तुम ऑनर एवरेज जो प्रॉफिट कमा रहे हो, मान लो 6 लाख रुपए कमा रहे हो तो ठीक है तुम चले जाओ, और ये प्रॉफिट तुम्हारे जाने के बाद अब मैं कमाऊंगा, मान लो 2 वर्षों तक, तो हमने क्या किया 12 लाख गुडविल की वैल्यू कह दी, यही कहा ना बच्चे। सर हां सर हां यही कहा आपने, लेकिन ये बात ठीक नहीं है बच्चे। पता है गुडविल का मतलब होता है ब्रांड, और ब्रांड का मतलब होता है, ब्रांड का मतलब होता है जो
आपका एफर्ट दूसरों से ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं ना कि मेरी एक ब्रांड वैल्यू है, मेरा एक इमेज है, मेरा मार्केट में एक कोई एक क्रेडिटवर्थनेस है बच्चे, मेरी गुडविल है, तो गुडविल होने का मतलब है कि दूसरों से आप ऊपर हो, दूसरों से ऊपर मतलब दूसरे अगर ये कमा रहे हैं ना तो आप इतना कमा रहे हो, तो ये जो है ना बच्चे ये आपकी गुडविल है, ये आपका ब्रांड वैल्यू है। सर कहना क्या चाहते हो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट जो था, जो आपने आप अभी हमने क्या किया जी, आप जितना कमा रहे हो हम वो मान लिए, हाँ थोड़ा हमने गलती को सुधारा बस खत्म किया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है इस मेथड के अंदर में इस 6 लाख रुपए में से हम वो प्रॉफिट जानना चाहते हैं जो आपने अपने ब्रांड के चलते कमाया, मतलब जो दूसरों से ज्यादा आप कमा रहे हो वो आपकी ब्रांड वैल्यू है। अरे कहना क्या चाहते हो मैं आपको बताऊं, लिखो आप यहां पे जरा, इस मेथड के अंदर में अगर हमें गुडविल को वैल्यू करना है, इस मेथड से गुडविल को वैल्यू करना है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप दूसरों से ज्यादा कितना कमा रहे हैं। मान लो इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनी है मेरे बच्चे, वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये कैसे निकलता हम बाद में बताएंगे। अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, बाकी लोग मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो इंडस्ट्री में बाकी लोग हैं, अगर वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप 6 लाख रुपए कमा रहे हो, तो दूसरों से ज्यादा आप कितना कमा रहे हो, 4 लाख, इसी को हम कहेंगे आपका सुपर प्रॉफिट, दूसरों से ज्यादा। तो मेरे बच्चे अगर मैं इस मेथड से गुडविल को निकालू ना, तो आप दूसरों से ज्यादा जो कमा रहे हो वो लेंगे और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स परचेज प्राइस। अरे आज दुनिया में कौन भूखे रहता है, सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं, दूसरी कंपनी भी खा रही है, आप भी खा रहे हो, लेकिन अगर आपका ब्रांड है तो बताओ आप दूसरों से ज्यादा कितना खा रहे हो, तो दूसरों से ज्यादा खाओगे वही आपका ब्रांड है, ये आपका। सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सर लिखो ना यहां पे सुपर प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, इसका फॉर्मूला मेरे बच्चे, आपका एवरेज प्रॉफिट आपका माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज का मतलब क्या जी, ये देखो जो आप कमा रहे हो, और याद रखना पूरे इस चैप्टर के अंदर में जहां भी बात एवरेज प्रॉफिट की जाएगी, तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात हो रही है पूरे चैप्टर में। ब्रह्मा भी अगर इस दुनिया में आ जाते हैं और आपको कहते हैं गणेश जी एवरेज का मतलब आपका सिंपल एवरेज ऐसे ले लो, उसमें जो गलतियां उसको एडजस्ट ना करो, आप उनकी बात नहीं मानना। अगर विष्णु जी भी आ जाएंगे तो उनकी बात नहीं मानना बच्चे, वो कुछ भी नहीं है, जो है इस दुनिया में एक ही इंसान है, वो मैं हूं, बस जो बोलता हूं बस वही मान लो और सब कुछ भूल जाओ। आज के बाद दुनिया में कोई नहीं है, बस ना मम्मी पापा की बात मानना, ना भाई बहन की बात मानना, दोस्तों की बात मानना है, बस आपके पास एक ही इंसान है जिसकी बात मानना है और वो है आपके संतोष सर। बस सुनो मेरी बात सुन लो, नहीं करना किसी से बात। आज अगर आज के बाद कोई मम्मी पापा आपके तरफ आए और देखे तो मत देखना उनके तरफ में, बोलना कि नहीं किसी से वास्ता नहीं रह गया, मेरे संतोष सर है, बस उन्हीं की बात मानूंगा और बस उन्हीं की बात मानूंगा। बस आप देखते हैं क्या होगा, जो होगा सर देख लेंगे, लेकिन बात तो सच्चाई कह रहा हूं। जब बात एवरेज प्रॉफिट की उठेगी बच्चे, तो एवरेज का मतलब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पूरे आपका इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। तो हमने क्या क्या नॉर्मल, सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो, दूसरे लोग भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, 2 लाख दूसरे, तो हम दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, ये कैसे होगा सर, और क्या मतलब निकल के आता है सर, आप थोड़ा समझाओ ना सर। आप जो उल्टे सीधे भाषण देते हो ना कि उनका बात मत मानो, इनके जगह पर सर ये समझा दो ना सर, हमें थोड़ा दिमाग क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ठीक से समझाने के लिए एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूं, शायद आपको बात समझ में आ जाए। मैं ये एक तो मेरे पास ब्लैक है, एक ब्लू है और एक मैंने यहां पे रेड ले लिया, ठीक है ना, 3 तरीके का पेन आपका। आओ जरा मैं आपको समझाता हूं, सुनो ध्यान से इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं बच्चे थोड़ा तरीके से। पता है मैं ना आपको यहां पे कुछ दिखा रहा हूं, ये देखो आप बताओ ये क्या है बच्चे, जरा बताओ ये क्या है। सर ये तो एक बॉक्स है, क्या बात करता है। अरे बॉक्स नहीं है, ये एक शॉप है, एक शॉप दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, और इसका मालिक पता कौन है, मिस्टर ए इसका मालिक है। मैं एक शॉप और दिखाता हूं ठीक इसी एरिया में, और बिल्कुल ऐसा ही ये देखो आपका एक दरवाजा है, मतलब जहां से हम एंट्री करते हैं, ये आपका मिस्टर बी है और ये इस दुकान का मालिक है। मजे की बात है दोनों ही दुकान का लोकेशन सेम है,
दोनों ही दुकान में सब कुछ सेम बचे, जो सामान ये बेच रहा है वही सामान वो बेच रहा है, मतलब आप कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोनों में, साइज सब कुछ बड़ा है मतलब बराबर है। फर्क सिर्फ ये है कि इसका मालिक मिस्टर ए है और इसका मालिक मिस्टर बी है, दो यहां पर आपका है। अब जरा सुनो ध्यान से क्या हुआ, एक बार की बात है, आप सुबह सुबह उठे और सुबह सुबह उठने के बाद आपको क्या हुआ कि आपको अब पढ़ना था क्लास, अपना मेरी क्लास पढ़नी थी आपने, लेकिन आपकी एक आदत है बच्चे, आप जब क्लास पढ़ते हो ना तो उसके पहले तरीके से पहले फ्रेश होते हो, ब्रश करना, आपका ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ करने के बाद पढ़ते हो भगवान का नाम लेकर कि हाँ मुझे सारी बातें समझ में आ जाए, पता नहीं आज सर पढ़ाएंगे हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ये प्रक्रिया हमेशा पूरा करते हैं तभी बातें आपको समझ में आती हैं। इसी प्रक्रिया में आप क्या किए, क्योंकि आपको ब्रश करना था, आप जैसे अपने बाथरूम में गए देखे कि यार ब्रश तो टूटा फूटा है, टूट गया है, आप दौड़ के गए इस दुकान में। याद रखना 8 AM आपका टाइम है बैठ के पढ़ने का, 8 से लेकर 10 बजे तक आप क्या करते हो, पहला मतलब एक लेक्चर आप हमेशा मेरा स्टडी करते हो, मान लो ये आपकी आदत है। तो आप ना आप क्या किए कि जैसे ब्रश आप देखे कि टूटा फटा है, टाइम निकल रहा है, आप दौड़ के गए इनके पास और जाकर इनको बोले मिस्टर ए को कि ए भैया जल्दी से एक ब्रश दो ना, मुझे एक ब्रश चाहिए, जल्दी से ब्रश करना है, मुझे सर की पढ़ाई करनी है, आप जल्दी से ब्रश दो। पता है क्या हुआ, ये जो ए का मालिक था ना बच्चे, ए का मालिक, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये ए का मालिक था, ये आपको कहा कि एक मिनट रुक जाओ, मान लो आपका नाम राम है, इसने कहा कि राम रुक जा मैं थोड़ा कॉफी पी रहा हूं, मुझे कॉफी पी लेने दो, पीकर जैसे ही मेरा कॉफी खत्म होगा मैं आपको यहां पे टूथब्रश दे दूंगा। अब क्या हुआ ना बच्चे कि इसने आपको बोला, आप यहां पे चुपचाप खड़े हो गए और ये कॉफी पीने लगा, आपको थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि टाइम निकल रहा था, 8 बजे बैठ के पढ़ने का आपका टाइम है, आपने थोड़ा ऊंची आवाज में इसको बोला कि ए जल्दी से टूथब्रश क्यों नहीं देते, मुझे चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सर का लेक्चर देखना है। बच्चे इसको गुस्सा आ गया, इसने क्या किया, जो कॉफी इसके पास पड़ा था ना वो पूरा का पूरा आपके चेहरे पे फेंक दिया, बोला कि आओ दिखाओ गुस्सा, कैसे गुस्सा दिखाते हो, आओ दिखाओ, अब हिम्मत है जरा बोल के दिखाओ, जरा बोल के दिखाओ, आज मैं बताता हूं आपको। मतलब बच्चे आपको इस तरीके से उसने बेइज्जत कर दिया कि मैं क्या बताया, वो बोला कि चुपचाप बैठ जाओ वहां पे, अभी मैं कॉफी खत्म करूंगा तभी मैं तुम्हें कोई सामान दूंगा, और हिम्मत भी नहीं करना वहां से उठने का। फिर वो गया अपने घर के अंदर में, कॉफी तो फेंक दिया था, दूसरा कॉफी लेकर आया, वो इस कोने में बैठ गया बच्चे, और यहां से वो आपको देखे जा रहा है, आप उसको देखे जा रहे हो, ये कॉफी पिए जा रहा है, आपको देखे जा रहा है, आप डर के मारे चुपचाप बैठे हो कि कहीं पता नहीं फिर से कुछ ना फेंक दे। तो जैसे ही इसका कॉफी खत्म हुआ ना, इसने क्या किया, टूथब्रश यहां से उठाया और लेकर फेंका आपके मुंह पे, ये ले, लेके भाग यहां से जल्दी, आके परेशान कर दिया, सुबह सुबह कॉफी भी नहीं पीने दिया, और ऐसा करके बोला हाँ कि पैसा वहां रख के जाना। आपने उस टूथब्रश को उठाया और मेरे बच्चे टूथब्रश को लेके आप चले गए यहां पे, चले गए आप यहां पे, तो टूथब्रश लेके चले गए, मतलब थोड़ा सा बेइज्जत हुए, बट क्या करोगे आप यहां पे, क्या करोगे, आपने क्या किया, किसी तरीके सामान यहां पे लेके चले गए। एक बात बताओ, अगली बार जब आपका टूथब्रश टूटेगा तो जरा बताओ इस दुकान में जाओगे किसी और में ट्राई करोगे, सर किसी और में, सर कौन जाएगा सर यहां बेइज्जत होने के लिए, पिटाई खाने के लिए, आग मुंह जलाने के लिए, सर हम यहां जाएंगे। पता क्या हुआ, इस बार जैसे ही आप शॉप बी में आए ना और यहां पहुंचे, तो बी का जो मालिक था ना बच्चे, उसने क्या क्या आपको गोदी में उठा लिया, आओ 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 आओ, आपको गोदी में लेकर अंदर गया, अंदर में जाके बोला कि बोलो ना क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैं पहले आपके लिए, आप तो मेरे भगवान हो, आप मेरे भगवान हो, बताओ आपको क्या चाहिए। तो मेरे बच्चे आपने कहा एक टूथब्रश दे दो, बहुत प्यार से भैया टूथब्रश उठाया आपको दिया और हाथ जोड़ के बोला कुछ और भी चाहिए क्या। तो अब देखो ना आपके, मतलब उसने ऐसा ट्रीटमेंट कर दिया ना, लगा कि आप भगवान हो, उसने अब जब ऐसा कहा तो सोचा कि क्या लू क्या लू, आपने कह दिया चल कोई बात नहीं एक टूथपेस्ट भी दे दो, वो भी लगा के कर जाऊंगा क्या जाता आपका। तो आपने क्या क्या टूथपेस्ट भी लिया और लेके आप चले गए, एक सामान लेने गए थे, दो सामान आप लेकर आ गए। जरा मुझे ये बताओ कि अगली बार जब टूथब्रश टूटेगा तो कौन सी दुकान में आप जाओगे, सर 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 इसमें कौन जाएगा सर पिटाई खाने के लिए, सर यही तो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला बच्चे, आप यहां पर जाओगे। पर बच्चे आप याद रखना, जो प्रॉफिट ये कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट ये कमा रहा होगा, क्योंकि इसका कस्टमर डीलिंग जो है, इसका जो सर्विस जो देने का तरीका आपका है, जो सर्विस फास्ट दे रहा है, जो वो सब कुछ क्या कर रहा है, इसको ज्यादा बेनिफिट देगा। इस बात का कोई डाउट ना हो कि इसके मुकाबले आप यहां पर क्या करोगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे।
यानी कि अगर मान लो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एक साल में कमा रहा है तो ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा होगा, ऐसी संभावना हो सकती है। सर ये प्रॉफिट क्यों कमाएगा सर, यहां तो कोई जाएगा नहीं। हाँ बच्चे, कभी कभी जाना ही पड़ता है। अरे किसको पता है कि वो हमेशा कॉफी फेंकेगा मारेगा, पहली बार आज राम गया कल श्याम जाए कभी मोहन कभी कोई ना कोई तो फंसेगा इसके चक्कर में और कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। आप चिंता ना करना, ही कमा रहा होगा। पर बच्चे अगर मैं इसके गुडविल को वैल्यू करूंगा, सर रुको, गुडविल की बात छोड़ो, ऐसा थोड़ा ही होता है सर। आपको क्या हो गया? ऐसा थोड़े होता है कि आप किसी दुकान में जाओगे और इस तरीके से गंदा डीलिंग करेगा, क्या बात कर रहे हो। अरे होता है, मैं प्रत्यक्ष आपको बता सकता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे तो एक काम करना, आप किसी भी सरकारी बैंक में चले जाना, आप चले जाना सरकारी बैंक में और कहना कि मुझे अकाउंट खुलवाना है, मुझे पैसा जमा करने हैं। आपको ये फील होगा कि आपसे ज्यादा पापी इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। उस बैंक में जाके अपने फील करना पड़ेगा बच्चे। वो पता नहीं वो ताश खेलते रहते हैं, वो दोस्तों की बात करते रहते हैं, बोलते हैं रुक जा अभी खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं। वो अपने कौन कौन से दोस्तों की बात करते रहते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनते। आपका समय गुजरता है लेकिन उनको कौन सा फिक्र है बच्चे, वो कौन सा फिक्र है, वो आपको परेशान कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जरा कोई प्राइवेट बैंक में जाओ ना, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, पूजा करेंगे आपकी। आप जैसे ही एंट्री करोगे ना गेट के अंदर में, अभी तो एक ऐड आया था, शायद अभी ऐड आना बंद हो गया ICICI बैंक का, कि एक आदमी जा रहा था अकाउंट खुलवाने के लिए। जैसे ही अकाउंट खुलवाता है उसका डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखा रहता है जी, और वो डेट ऑफ बर्थ वो उसी दिन का रहता है। तो उस एम्प्लॉय ने क्या किया, किसी को इशारा किया, वो जाके एक लड्डू लेके आता, बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थ। होता है बच्चे, वो डीलिंग है, वो कस्टमर डीलिंग है। इतना सरकारी बैंक में किसी एम्प्लॉय को थोड़ा चिल्ला के बोल देना, आपको इतना पिटेगा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन प्राइवेट बैंक में जाओ वो कुछ नहीं, वो फिर भी सर करके बात करेगा। ये कस्टमर डीलिंग है और ये होता है, इसलिए आप मुझसे झगड़ा ना करो कि क्यों होता है, ये हमेशा होता है। ये देखो ये कंपनी जो है ना बच्चे, इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर आपका जो ब्रांड है ना, जो आप एफर्ट कस्टमर पे डाल रहे हो, वो इससे ज्यादा जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उस पे आपका हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि जो आप कमा रहे हो जी, नॉर्मल का मतलब कि इंडस्ट्री में जो बाकी लोग जो कमा रहे हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 लाख का अमाउंट आपका। सर एक बात बताओ सर, ये कैसे निकलेगा? तो मेरे बच्चे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लिखना एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस मेथड, बिल्कुल उसी तरीके से प्रीवियस मेथड आपका। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर आपका, सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या हमें क्वेश्चन बताएगा सर कि आपने मार खाया ये खाया? नहीं सर, नहीं ये नहीं बताएगा। पता क्या बोलेगा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, लिखिए मेरे साथ यहां पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से एक एक शब्द को, कोई वर्ड मिस ना हो जाए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आप करेंगे यहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर, लिखो यहां पे, लिखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सारी बातें समझाऊंगा, बस लिखते चलो अभी बात मेरे साथ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है बच्चे आपका, यहां पे लिखना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 आपका, ओपनिंग लिया क्लोजिंग लिया डिवाइडेड बाय 2 आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। अरे हां, और एक और भी तरीका है बच्चे, लिखिए मेरे साथ यहां पे। आप क्या करना यहां पे दूसरे तरीके में, जो भी आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें माइनस कर देना वन हाफ ऑफ आपका करंट ईयर प्रॉफिट। सर मतलब अभी समझाऊंगा, लिख दो पहले यहां पे। एक और भी तरीका है मेरे बच्चे, आप लिखना अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे, तो इसमें ऐड कर देना आप वन हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट
करंट ईयर प्रॉफिट आपका, वन हाफ ऑफ करंट प्रॉफिट आपका ये निकल के आ जाएगा एवरेज। सर थोड़ा समझाओ ना सर क्या बोलना चाहते हो। आओ जरा मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं ये क्या होता है आपका। पता है जब आप यहां पे निकालोगे ना आपका यहां पे आपका ये तो ठीक है जी, ये हमारा टाइम पीरियड बच्चे ध्यान देना, इसको लिखना नहीं आपको। ये 1 जनवरी मान लो 2000 आपका 17 है और ये आपका 31 दिसंबर 2017 आपका है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग आपका। मान लो यहां कहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखना नहीं आपको मेरी बात सुनना है, 5 लाख रुपीज का है और यहां कहता है कि 6 लाख का अमाउंट आपका है। अगर ये ओपनिंग कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है, जब एवरेज को आपको निकालना मेरे बच्चे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज का मतलब होता है कि जो कैपिटल जनरली आपने पूरे वर्ष आपने यूज किया, पूरे वर्ष आपने यूज किया, तो जरा बताओ मैं कैसे निकालूं। 5 लाख रुपए ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग कितना बता रहा आपको 6 लाख का अमाउंट और डिवाइड बाय यहां पे 2 कितना निकल गया जी 5.5 लाख रुपए का अमाउंट, 5.5 लाख। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो फॉर्मूला भी आगे देखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका है ये जो चेंज हो रहा है 1 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कैपिटल कितना लगा हुआ है मान लो, तो यहां पे 5 यहां पे 6, अगर कुछ चेंजेस ना बताया तो हम ये मानते हैं कि आपने प्रॉफिट कमाया होगा 1 लाख का करंट ईयर में, तभी कैपिटल बढ़ के 5 से 6 हो गया। तो बच्चे एक तरीका 5 + 6/2, दूसरा तरीका हमने कहा कि अगर मान लो मैं इससे बढ़ता हूं 6 लाख रुपए से, तो 6 लाख में अगर मैं इसका आधा माइनस कर दूं, यानी कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट हमने कमाया है उसका आधा मतलब 50,000 रुपए, तो भी अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा 5.5 लाख इसके बराबर हो जाएगा। या फिर अगर मैं इससे बढ़ता हूं इस 5 लाख से, हम किससे बढ़ेंगे एग्जाम में जिस तरीके से बात करेगा उसी से बढ़ेंगे, अगर ये 5 लाख है मेरे बच्चे तो हमें एवरेज पे यानी कि यहां पे आने के लिए आगे बढ़ना होगा, यानी कि जो प्रॉफिट आपने एक साल में कमाया उसका हाफ को आपको ऐड करना होगा, तो ये आपका 50,000 अमाउंट कितना हो गया 5.5 लाख का अमाउंट आपका। आप किसी भी तरीके से बढ़ सकते हो है ना, तीनों फॉर्मूला मैंने दे दिया आपका। तो एग्जाम में अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बताएगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे, क्लोजिंग दिया होगा तो आपको करंट ईयर के आधे प्रॉफिट को माइनस करके निकाल लेंगे, और इससे तीनों में आंसर आपका सेम होगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा सर एक बात बताओ और भी कुछ है क्या? हाँ एक नोट लिखेंगे मेरे बच्चे, नोट लिखेंगे यहां पे आपका नोट, इसी के बारे में नोट लिखेंगे कि इफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड इज ऑलरेडी गिवेन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही दे दे कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इतना है, तो कॉमा वी एज्यूम इट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर समझ में नहीं आया बच्चे, मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि हमेशा आप क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैंने तरीका बता दिया, कोई भी एक तरीका क्वेश्चन के मुताबिक हम चेंज करेंगे। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर में कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपको दिया रहेगा, वो कहेगा भैया कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इतना है, तो उस केस में हम फिर एवरेज नहीं निकालेंगे, हम उसी को मान लेंगे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न होता है। अदरवाइज ये कहता कि भैया ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, कुछ नहीं बताया, तो हम क्या बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इतना है, तो हम क्या मान लेंगे वही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे सर? तो आप एक काम करो, मैं इसको यहां मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है मैं आपको बताऊं। यहां पे लिखिए मेरे साथ, यहां पे लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे ये यहां तक तो नाम, अब लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, वही बता रहा हूं, लिखो तो कम से कम पहले यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बेसिकली कि बिजनेस के अंदर, ध्यान से मेरी बात सुनना, बिजनेस के अंदर में कंपनी का कितना पैसा लगा हुआ है, कंपनी मतलब शेयर होल्डर का, ओनर का। सर कैसे निकल के आएगा, आप एक काम करना, लेना ऑल एसेट्स ब्रैकेट में एक्सेप्ट क्या छोड़ के, एक तो गुडविल,
सारे एसेट्स लेना गुडविल को छोड़ देना और छोड़ देना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपने यहां पे क्या किया जी, जितने भी एसेट्स हैं वो लूंगा बच्चे कंपनी का, लेकिन गुडविल छोड़ देना, नॉन ट्रेड छोड़ देना। और हां, एट मार्केट वैल्यू, एट मार्केट वैल्यू लिखो यहां पे, जितने भी जिस कंपनी के हम गुडविल निकाल रहे हैं उनका आज एसेट्स कितना है वो लिया जाएगा। उसमें दो नाम छोड़ देना। सर गुडविल क्यों छोड़ रहे हो आप? क्योंकि गुडविल को वैल्यू करने के लिए गुडविल एसेट्स नहीं माना जाएगा। सर नॉन ट्रेड क्यों छोड़ रहे हो? मेरे बच्चे नॉन ट्रेड का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट हमारे ट्रेड से जुड़ा हुआ नहीं है। कभी कभी पता क्या होता है, मान लो मेरे पास खूब सारे पैसे हैं कंपनी के अंदर में, अब वो पैसे क्या करूं, तो मैं कहता हूं चल टाटा कंपनी का शेयर्स ले लो, रिलायंस का शेयर्स परचेज कर लो, कहीं एफडी कर दो। तो ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ना बच्चे, वो हमारा ट्रेड नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है। हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हम उनकी बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में जितने सारे फिट से सब लेंगे इन दो नाम को छोड़ के, हाँ मार्केट वैल्यू पे। इसमें से माइनस कर देना ऑल लाइबिलिटीज, या फिर और अच्छी बात लिखे तो हम कहेंगे ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एट पेबल वैल्यू। आज हमें जितना उनको पे करना है हम इसमें से उसको माइनस कर देंगे। बच्चे इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा ना, वही कहा जाता है यहां पे कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड आपका। सुना मेरी बात? यहां पे सारे एसेट्स जो होंगे उनको कंसिडर किए जाएंगे गुडविल नॉन ट्रेड को छोड़ के एट मार्केट वैल्यू पे। उसमें जितनी भी लाइबिलिटीज है, ध्यान रखना हमने लिखा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बच्चे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है लाइबिलिटीज पेबल टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर। सर ये आउटसाइडर कौन होता है? एक्चुअली कंपनी में दो लोगों का पैसा है, एक शेयर होल्डर का और एक बच्चे बाहर वालों का, मतलब लाइबिलिटी वालों का। तो जो भी शेयर होल्डर का पैसा वो माइनस नहीं किया जाएगा, सिर्फ आउटसाइडर्स का। सर इसको समझाओ ना ठीक से, लिखो एक नोट यहां पे, नोट लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे यहां पे कि अगर मान लो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड अपियरिंग इन बैलेंस शीट, अपियरिंग इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट के अंदर में प्रपोज डिविडेंड है तो कहते हैं कि कॉमा इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रीट नहीं किया जाएगा, कोई पूछे क्यों तो बताना, बिकॉज इट इज पेबल टू द शेयर होल्डर्स। बच्चे शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जा रहा है ना, वो आपका यहां पे ट्रीट वो नहीं माइनस किया जाएगा। क्यों जी? क्योंकि हमने बोला एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल का मतलब होता है यहां पे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है पहला पार्टी तो कंपनी हो गई, दूसरा पार्टी हम शेयर होल्डर को बोलते हैं बच्चे, और थर्ड पार्टी में बाकी लाइबिलिटी को बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखेंगे आप यहां पे, ठीक है। सर जरा इस पे समझाओगे ठीक से? हाँ क्यों नहीं, मैं काम करता हूं इसको समझाने के लिए, मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा। इसको लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ सर, ये तो हो गया। तो मैं इस पे क्वेश्चन तो बाद में करूंगा, पहले मैं यहां पे आपको समझा दूं ये आपका जो कैपिटल इंप्लॉयड है ये कैसे निकाला जाता है, और मैं आपके कॉन्सेप्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग करूंगा, आप चिंता नहीं करना। एक काम करो, लिखो मेरे साथ यहां पे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे, एग्जाम्पल लिखो यहां पे, एग्जाम्पल नंबर वन, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। और हाँ लिख देता हूं ओल्ड फॉर्मेट में, एक्चुअली मुझे समझाना है इसलिए, ऐसे मैं बैलेंस शीट नए फॉर्मेट में बनाता। ऑफ एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इसका बैलेंस शीट दिखा रहा हूं बच्चे, पुराना जो फॉर्मेट था आप भी जानते हैं कि नया फॉर्मेट आ चुका है, पढ़ भी चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, वो हम देखेंगे बाद में, पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसे पुराना वाला फॉर्मेट का बैलेंस शीट आपका। लिखिए मेरे साथ यहां पे, कहता है कि मशीन, ये कहता है कि 20 लाख का अमाउंट आपका है, 20 लाख। कहता है कि बिल्डिंग मान लो ये कहता है कि आपका 30 लाख का अमाउंट है, 30 लाख का अमाउंट। फिर लिखो यहां पे आपका अदर एसेट्स, ना माफ कीजिए भी, फिर लिखो और भी नाम, गुडविल लिख दो यहां पे, गुडविल। ये कहता है कि 2 लाख का अमाउंट आपका है।
फिर कहता है गुडविल के बाद यहां पे मान लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और ध्यान रहे इन्वेस्टमेंट में कहता है एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और एक कहता है नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड। मान लो ट्रेड आपका जो है वो 1,40,000 का है एंड नॉन ट्रेड आपका 260। सर ये ट्रेड नॉन ट्रेड क्या होता है? देखो मेरी बात सुन लो बच्चे, मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर हूं, मैं यहां पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हूं। अगर एजुकेशन सेक्टर में कोई पैसा लगाता हूं, मान लो एजुकेशन सेक्टर में कोई पैसा लगाता हूं, तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेरा होगा। अगर अपने कंपनी का सरप्लस पैसा एजुकेशन सेक्टर में डालूंगा जो मेरे ट्रेड से जुड़ा हुआ है, हम कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मान लो कि सरप्लस पैसा मैंने कहीं पे एफडी कर दिया, किसी कंपनी का शेयर्स ले लिया जो मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमारे ट्रेड से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको नॉन ट्रेड कहा जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, जरा देखो आपके पास ये मान लो इतने नाम है और लिखना है तो क्या और लिख दो, यहां पे कैश हो गया, कैश इन बैंक, बहुत सारे नाम, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। मान लो 3 लाख का अमाउंट आपका है, जरा बताओ ये टोटल कितना हो गया? सर 52, 55, 56, 59 लाख, ये 59 लाख का अमाउंट आपका हो गया, ये हुआ ना बच्चे, ठीक है। यहां लिखो आप यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इस साइड कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो ये आपका 8 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो, या इसको 18 लाख कर दो और इसको 10 लाख कर दो, ठीक है जी। फिर कहता है यहां पे आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व है कंपनी के, ये कहता है कि आपका 8 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम मान लो ये आपका यहां पे 5 लाख का अमाउंट आपका है। और फिर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितना बच गया जी, 41, यानी कि 18 लाख आपका, ये हमारा हो गया दोनों साइड 59 लाख 59 लाख, कॉपी कीजिए आप यहां पे। तो 59 लाख के आपके एसेट्स है और 59 लाख के आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी यहां बता रहा आपका, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। अरे ठीक है सर, हाँ सर हाँ, कहता है कि मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग रुपीज कहता है कि 34 लाख, बोलता है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट कैपिटल इंप्लॉयड, बोलता बताओ जरा कि आपका यहां पे जो कैपिटल इंप्लॉयड होगा वो कितना निकल के आएगा। पर बच्चे मुझे फॉर्मूला आपको समझाना है, बस लिखो मेरे साथ यहां पे सॉल्यूशन में, लिखना सॉल्यूशन में कैपिटल इंप्लॉयड, जरा बताओ कैपिटल इंप्लॉयड यानी कि कंपनी का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है। तो आप कहना ऑल एसेट्स, दो नाम छोड़ के गुडविल को नॉन ट्रेड को, ये देखो मैंने गुडविल छोड़ दिया, नॉन ट्रेड छोड़ दिया और इनको छोड़ के बाकी सारे एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। तो जरा देखो इसको निकालते समय आपको जो एसेट्स लेने हैं, एसेट्स लेने हैं वो होगा एट मार्केट वैल्यू, एट मार्केट वैल्यू। जरा मुझे बताओ ना, मुझे बताओ कौन कौन से एसेट्स हैं। सर मशीन, क्या आपको मशीन की मार्केट वैल्यू बता रहा क्या? नहीं सर, तो जो बुक में वही माना जाएगा, यानी कि 20 लाख का अमाउंट आपका यहां पे। आप बताओ जो बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट में है, जो बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट में है कितने का? 30 लाख, आज कितने का हो गया? 34 लाख का, 34 लाख का। देखो गुडविल जो 2 लाख का था वो तो लिया ही नहीं जाएगा, एक तो आएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमने सिर्फ नॉन ट्रेड को मना किया था। यहां देखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस में ही लगा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट कितने का है जी? 1,40,000 का, ठीक है। और कैश एंड बैंक जितने भी एसेट्स है सारे लिए जाएंगे, सिर्फ दो नाम हमने कहा है छोड़ दो आप, तो 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख। मुझे बताओ ये टोटल कितना आ गया आपको यहां पे? 58,60,000, ही है ना सर? हाँ जी, तो लिखो यहां पे 58,60,000। इसमें से आपको माइनस करना है ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है लाइबिलिटी पेबल टू आउटसाइडर्स, और हाँ ये पेबल वैल्यू आज जो हमें पे करना है मेरे बच्चे वो अमाउंट यहां पे माइनस करना है, आज जो पे करना है। देखो ना लाइबिलिटी तो सिर्फ ये दिख रहा है क्योंकि ये तो सारे रिजर्व है, रिजर्व शेयर होल्डर का होता है, तो लाइबिलिटी मतलब ये।
नीचे में कहीं पर भी आपको नहीं बता रहा है कि कितना पेमेंट करना है, तो जो 18 लाख का अमाउंट यहां दिख रहा है वही पेमेंट करना है। जब वो नीचे अलग से ना बताए तो फिर क्या करूंगा, यही पेमेंट करना है। तो जरा बताओ 58,60,000, ये 58,60,000 का जो अमाउंट है इसमें से 18 लाख का अमाउंट को हटाएं तो बताओ कितना निकल के आ गया। सर ये आ गया 40,60,000। बच्चे यही आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि बिजनेस में जो एम्प्लॉयड है, जो पैसा कंपनी का लगा हुआ है वो 40,60,000 रुपए। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई, हमने कुछ भी नहीं किया कि जो आपके एसेट्स हैं वो आज 58,60,000 के। ध्यान सुनना, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कंपनी में आप जरा देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का आ जाए जी, 58,60 कंपनी के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा, कंपनी। इसमें से 18 लाख का जो अमाउंट है ना वो लायबिलिटी वालों का है, तो इसको माइनस करके बाकी बिजनेस में जो पैसा है वो ओनर का लगा हुआ है। आई बात समझ में? सर हां। अरे पता है मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, क्योंकि मैं इसका एक और भी मेथड बताना चाहता हूं। ये तो मैंने यहां पे समझा दिया, अब लिखो यहां पे मेथड टू न करके लिखो यहां पे अल्टरनेटिव। सर ये कहां लिख रहे हैं? ये लिख रहे हो बच्चे इस आंसर के बिल्कुल बाद, इस आंसर के बाद अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आपका अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा मेथड आपका, इसी काम को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। पता है क्या, जरा यहां देखो, आपको यहां पे क्लियरिटी आएगी। यहां देखो हम लोगों ने क्या किया इस मेथड में, क्या क्या यूज किया जी, इनको यूज कर लिया और हमने क्या किया, इनको यूज कर लिया ठीक है, ये भी यूज हो गया माइनस करने में आपका, ठीक है बच्चे। तो इनको छोड़कर अब जो बाकी बच गया उनको ले लो। मतलब सर अगर मैं इस साइड से बढ़ूं कैपिटल एम्प्लॉयड आपका, तो एक तो आप लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा बताओ इक्विटी वालों से कितना पैसा आया है? सर 18 लाख, एक तो ये ले लूंगा मैं यहां पे। आप बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी तो कंपनी के मालिक का पैसा है, जो मालिक का पैसा वो कंपनी का पैसा है, क्योंकि कंपनी मालिक यानी कि शेयर होल्डर की होती है। तो आप क्या करो इस 10 लाख को भी आप यहां पे ऐड करो। चलो बताओ रिजर्व, वो भी तो कंपनी का होता है, मतलब मालिक का होता है, तो जनरल रिजर्व जितने रिजर्व है सब हम यहां पे लेंगे। ये कितना बता रहा आपको अमाउंट, 8 लाख आपका। फिर मेरे बच्चे कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी आप यहां पे ऐड करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। जरा बताओ ये कितना बता रहा है, 5 लाख, ये भी लीजिए आप यहां पे, ये भी लेंगे। और जरा मेरी बात ध्यान सुनना, यहां देखो जो बिल्डिंग 30 लाख का था ना बच्चे, इसकी वैल्यू 34 लाख हो चुकी है, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू में 4 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख से बढ़ गई है तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? अगर आज बिल्डिंग बिक जाता है 4 लाख से ज्यादा पे, तो ये पैसा जरा बताओ लायबिलिटी वालों को कि शेयर होल्डर को? सर शेयर होल्डर को, यानी कि मेरे बच्चे जो प्रॉफिट आपका हुआ है ना, प्रॉफिट जो आपका हो रहा है ऑन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है कितने का जी, 30 एंड 34 लाख का, वो भी पैसा शेयर होल्डर का है। मैं निकाल रहा हूं कि यार कितना पैसा बिजनेस में इंप्लॉयड है शेयर होल्डर का, तो मेरे बच्चे ये भी क्या होगा उसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू जितना है उससे ज्यादा बढ़ चुका है, वो भी कंपनी का माना जाएगा आपका फायदा, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करना, आप माइनस कर दो उन एसेट्स को, मतलब ये पैसा हमारे पास शेयर होल्डर का है, शेयर होल्डर का पैसा आपका है, कंपनी का पैसा है, लेकिन इसमें से जो कंपनी का अब इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, मतलब एक तो गुडविल को आप हटाइए, गुडविल जो आपके बैलेंस शीट में है, क्योंकि ये कभी एसेट्स नहीं माना जाएगा, 2 लाख रुपीज का अमाउंट आप इसको हटा दो, और हटा दो क्या जी आप यहां पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो पैसा शेयर होल्डर से आया था बच्चे, या जो रिजर्व का पैसा, इसमें कुछ पैसा हमने बाहर लगा दिया है 2,60,000, है ना, आप उसको हटाओ। अब देखो आपका कैपिटल इंप्लॉयड यहां कितना निकल के आ रहा है, दोनों ही मेथड से आपका सेम आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं क्या निकल के आ रहा है, तो आपका कितना हो गया जी आपको यहां पर, एक बार चेक करेंगे तो 28
एंड 36 है ना, 39 एंड 4 43 लैक्स, 43 लैक्स माइनस से माइनस के जब यहां पे 4,60,000, ये आपका आ गया 38,40,000। ओह कुछ गलती किया क्या हमने, कुछ छूट गया क्या बच्चों, यहां पे गलती हो गई थी बच्चे, मैं सोचता पता नहीं क्या। ये देखो ये आपका 58,40,000 का अमाउंट है, 5840 यानी कि 40,40,000, और यहां भी आ गया आपका 40,40,000, मतलब सेम आपका आंसर निकल के आएगा। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। सर सर हम करें क्या एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से काम करना होगा बच्चे। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, आपको एसेट्स का और लायबिलिटी की वैल्यू बताएगा तो आप इस तरीके से निकाल लेना। कभी कभी इनको बताने के बजाय इस तरीके से बता देगा, इक्विटी इतना है, प्रेफरेंस इतना है, रिजर्व इतना है, एसेट्स की वैल्यू में इतना एप्रिसिएशन हुआ, आपने जो पैसे लिए उसमें से आपने क्या किया, कुछ गुडविल का आपने इतना अमाउंट बताया बैलेंस शीट में, कुछ कहता है कि नॉन ट्रेड आपने लगा दिया, ये तो इस तरीके से मतलब कर लेंगे। जो क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से, कैपिटल इंप्लॉयड निकालना इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से काम कर लेंगे। आओ जरा एक एग्जाम्पल और करते हैं यहां पर इसको समझने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, या फिर एक काम करते हैं, नहीं सर एक एग्जाम्पल करा ही दो सर, पहले थोड़ा सा और हमारी मास्टरी करा दो। तो लिखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू, एक एग्जाम्पल और करेंगे आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू। इस पर कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इस पर बैलेंस शीट नहीं बता रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दे रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है ₹8 लाख, फिर कहता है रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व हैं, रिजर्व वो कहता है आपका यहां पे मान लो 5 लाख रुपीज का अमाउंट है। फिर कहता है कि एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कहता है कि बिल्डिंग की वैल्यू में जो आपका एप्रिसिएशन हुआ है वो 1,20,000 है। और फिर कहता है कि डेप्रिसिएशन लो, वो आपके एसेट्स लायबिलिटी को बताने के बजाय जहां जहां जो चेंज आया वो बता रहा है बच्चे, डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ मशीन, कहता है कि मशीन की जो वैल्यू है उसमें आपका 20,000 का यहां पे डेप्रिसिएशन हुआ है, 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। फिर कहता है कि आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन आपको बता रहा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो पैसे हमने लिए है ना बच्चे, जो कंपनी का पैसा है इसमें से कुछ पैसा हमने बाहर लगा दिया है, और वो कहता है कि 1 लाख का अमाउंट आपका है, 1 लाख का अमाउंट आपका है। बोलता है कि कैलकुलेट कैपिटल इंप्लॉयड, आपको कहता है जरा बताओ कि आपका कैपिटल इंप्लॉयड कितना है। पर बच्चे आप समझो ना मेरी बात, यहां पर मेरी बात समझो ना, यहां जो आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, इसमें कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय जरा देखो क्वेश्चन के अंदर में आपको एसेट्स लायबिलिटी के बारे में बता ही नहीं रहा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है कुछ नहीं, वो कहता है कि इंक्रीज डिक्रीज जो हुआ वो बता दे रहा है। इसका मतलब वो इस मेथड से कहता है कि निकालने के लिए, क्वेश्चन आएगा जैसे आएगा उस तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे। तो आइए जरा हम निकालते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, जरा बताओ क्या क्या लेंगे। तो पहले समझो कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है, यहां पे जो कंपनी या कह दो ओनर शेयर होल्डर उनका पैसा बिजनेस में कितना लगा है, तो 8 लाख का अमाउंट आपको ये बता रहा मेरे बच्चे। फिर आप इसमें ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना ये भी पैसा कंपनी यानी कि शेयर होल्डर का होता है, जो भी पैसा शेयर होल्डर का है उसको ऐड कर दो, और हाँ जो पैसा शेयर होल्डर का है और बिजनेस में लगा हुआ है सिर्फ वही लेंगे। तो इसके बाद जो आपका एप्रिसिएशन हुआ है इन बिल्डिंग, ये भी फायदा पैसा शेयर होल्डर का होता है, अगर कंपनी आज बिकती है तो एसेट्स बेच के जो फायदा होता है शेयर होल्डर को देते हैं, लॉस कुछ होगा इन्हीं को बियर करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट्स में हुआ है इन मशीन, वो भी इनको लॉस बियर करना होगा जी, माइनस करेंगे आप यहां पे 20,000। ये जो नॉन ट्रेड बच्चे, ये पैसा बिजनेस में शेयर होल्डर का है, लेकिन इसमें से जो बिजनेस से बाहर लगा दिया, बिजनेस से बाहर लगा दिया उसको हटा दो, क्योंकि जब बात गुडविल को वैल्यू करने की हो रही है ना बच्चे, तो बिजनेस की बात हो रही है, जो बिजनेस की बात है, बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर लगा हुआ कैपिटल इंप्लॉयड, तो इसको कहा जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड, यही कैपिटल इंप्लॉयड है। और कैपिटल इंप्लॉयड अगर पूरा नाम लिखो तो मैं क्या लिखूंगा आपको समझाने के लिए, इन बिजनेस,
बिजनेस में जो पैसा इंप्लॉयड है जी, जरा बताओ कितना निकल के आपका आ गया? तो 13 लैक्स का अमाउंट आपका, 13 लैक्स का अमाउंट निकल के आया बच्चे यहाँ पे आपका कैपिटल इंप्लॉयड। मतलब अब आप स्ट्रांग हैं, आप किसी तरीके से भी कैपिटल इंप्लॉयड यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक ना। हमने कैपिटल इंप्लॉयड आपको बता दिया, हमारी कहानी अभी थोड़ी सी और आगे चलेगी। ये तो मैंने समझा दिया जी, हम इसके क्वेश्चन बहुत सारे देखेंगे, आप चिंता नहीं करना, इस पे कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन की अभी हमें प्रैक्टिस करनी है और हम करेंगे भी। आपको मैं पहले बता दूं यहाँ पे, इसको मिटा कर पहले यहाँ पे मैं पहले इसको मिटा दूं। और मेरे बच्चे अब हम इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम आते हैं, जरा चेक करो फॉर्मूला में हमने कहां तक आपको बता दिया। हमने लिखा था बच्चे कि जो आपका नॉर्मल, मैंने मिटा दिया इसलिए आप चेक करो, आपके फॉर्मूला में था कि नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको निकालना था, इट वॉज एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मिला आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? सर हाँ, सर हाँ मिला। मेरे बच्चे वो लिखो उसके आगे, आप यहां पे लिखेंगे आप यहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ये कैसे निकाला जाएगा, ये कैसे निकाला जाएगा। तो यहां पे आपको लिखना, यहां पे जी लिखेंगे यहां पे ऐसे कर दो, इज इक्वल टू पता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा मेरे बच्चे। तो आप लिख दो थोड़ा सा पहले इसके बारे में, या ऐसे लिखते हैं नंबर वन जनरली इट इज गिवेन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या होगा दिया रहेगा फुल स्टॉप, इट इज मिनिमम एक्सपेक्टेशन, मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इन्वेस्टर फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा पैसा लगाए तो मेरे बच्चे वो कम से कम कितना कमाना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं यहां पे आपका नॉर्मल रेट, कम से कम जो कमाना चाहते हैं बच्चे, फुल स्टॉप। आगे लिखना इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग होता है, इसलिए क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। लेकिन कभी कभी अगर निकालना पड़ जाए कि जरा बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, तो देखो जरा यहां पे क्या क्या बातें हो सकती हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, कुछ तरीका बता रहा हूं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अपने आप। एक बात बताओ, मान लो मेरे पास, यहां लिखना बंद करेंगे, मेरे पास 20 लैक्स का अमाउंट है मेरे बच्चे, 20 लाख रुपए मेरे पास है जी कैपिटल इंप्लॉयड। मैं और सिंपल शब्दों में आता हूं, मान लो मेरे पास 20 लैक्स है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इस 20 लैक्स रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं कहीं पैसा लगाना चाहता हूं, और पैसा पता कहां लगाना चाहता हूं, एजुकेशन के अंदर में। मान लो एजुकेशन के अंदर में कोई कंपनी खोलना चाहता हूं और उस कंपनी में ये पैसा मैं 20 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, तो मैं कम से कम नॉर्मल रेट मेरा कितना होना चाहिए, देखो कैसे निकलता है, सुनना ध्यान से। पता है अगर इस 20 लाख रुपए को मैं, जिसके पास पैसा है, अगर मैं इस पैसे को HDFC बैंक में जमा कर दूं, मान लो ये 20 लाख रुपए मैं बैंक में जमा कर देता हूं HDFC बैंक में, तो बैंक वाला मुझे कहता है कि हम आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार है। वो कहता है कि आप हमारे पास FD कर दो, हम आपको 10% देने को तैयार है। इमेजिन क्या फिगर है, एज्यूम क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है बच्चे। एक बात बताओ, ये जो 10% बैंक वाला मुझे देने को तैयार है, अगर इस 20 लाख को यहां जमा करता हूं, तो क्या इस 10% के कमाने पर मुझे कोई रिस्क है क्या, क्या मेरा पैसा 20 लाख जो बैंक में FD करा रहा हूं, क्या इसमें कोई रिस्क है क्या? सर कोई रिस्क नहीं है, अगर बैंक में FD कर दो ना और बैंक वाला 10% देने को तैयार है, तो सर हमारी कंट्री में कोई रिस्क नहीं है, बैंक में पैसा आपको पक्का मिलेगा और 10% कमाओगे भी, तो सर यहां कोई रिस्क नहीं है, ये 10% आप कमा सकते हो 20 लाख में बड़े आराम से। पर बच्चे ये 10% जो है ना, उसको हम कहते हैं आपका रिस्क फ्री रिटर्न। मैं बता रहा हूं ये नॉर्मल रेट कैसे निकाला जाता है, रिस्क फ्री रिटर्न आपका।
लेकिन सोचो अगर मैं इस 20 लाख को HDFC बैंक में जमा करने के बजाय मान लो मैं किसी एजुकेशन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो जरा बताओ उस एजुकेशन सेक्टर में भी अगर मुझे 10% ही कमाई होगी, अगर मैं यहां पे पैसा लगाऊं और मेरी कमाई अगर 10% ही होती है, तो क्या मैं पैसा यहां पे लगाऊंगा क्या? जरा बताओ, अगर आपने मुझे ऑफर दिया कि सर आप हमारे कंपनी में पैसा लगा दो, एजुकेशन सेक्टर में हम आपको 10% का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो क्या मैं पैसा यहां लगाऊंगा क्या? सर नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे सर? क्यों नहीं लगाओगे? अरे जब आप भी मुझे 10% दे रहे हो और यहां भी 10%, यहां तो रिस्क है बच्चे, बिजनेस में लगा रहा हूं, पैसा डूब भी सकता है, यहां तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो जब 10% यहां भी मिलेगा, 10% यहां भी मिलेगा, तो फिर पैसा मैं यहां क्यों लगाऊंगा? पैसा मैं यही जमा करूंगा जी, यही जमा करूंगा। हाँ, एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं पैसा लगाऊं, तो फिर बच्चे मैं इस 10% के ऊपर अगर मान लो मुझे 5% और मिल जाता है, मतलब अगर आप मुझे कहते हो कि सर 5% और आप हमसे ले लो और पैसा आप हमारे बिजनेस में लगा दो, मतलब कितना? 10 के ऊपर आपका। मेरे बच्चे यानी कि इस बिजनेस में जो रिस्क है, उस रिस्क को बियर करने के लिए मुझे और कितना मिल रहा है? 5%। अगर ये 5% मुझे, मतलब मेरा दिमाग कह रहा है कि अगर 5% मुझे और मिल जाएगा ना, तो पैसा मैं यहां पे लगा दूंगा। पता है किसी भी इंडस्ट्री का रिस्क को बियर करने के लिए आपके दिमाग में वो मिनिमम रेट जो आता है ना कि यार इस 10% के ऊपर मुझे और इतना मिल जाएगा तो पैसा लगा दूंगा, मेरे बच्चे इस रेट को हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है बिजनेस का, इंडस्ट्री का रिस्क को बियर करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट और यानी कि जो रिस्क फ्री रिटर्न है, उसमें रिस्क प्रीमियम को अगर ऐड कर दिया जाए। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के रिस्क को बियर करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कमाना चाहेंगे, तो उसी को मिलकर मिलता है नॉर्मल रेट। मतलब रिस्क फ्री तो हो गया 10% और 5% और यानी कि 15%, मतलब 15% अगर हमें इनकम होता है तो मैं उस बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हूं। और ध्यान रखना, ये जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाला मेरे बच्चे, ये केस टू कंपनी, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मेरा कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है, आपका कुछ और अलग है, किसी और का कुछ अलग आपका है, तो हमें क्वेश्चन में वेट करना होगा, या तो नॉर्मल दिया रहेगा या फिर नॉर्मल हमें निकालना होगा, जो भी होगा हम उस क्वेश्चन को कर जाएंगे आपका, ठीक है ना। और भी कुछ तरीके होते हैं, आइए जरा मैं ज्यादा समय बर्बाद ना करूं, मैं आपके बुक में आता हूं और कुछ क्वेश्चन देखता हूं। जरा आइए मेरे साथ बुक में, आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं कि यहां पे हम गुडविल कैसे निकालेंगे। 6 क्वेश्चन पे जरा आप आइए, मैं इसको मिटाऊं। 6 क्वेश्चन के अंदर में चेक करेंगे जी मेरे साथ, 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका बुकलेट का, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है कि एवरेज प्रॉफिट जो आपका है 2,50,000, बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नोट लिखाया था आपको कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड बता देगा तो हम उसी को क्या मानेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख। और लो नॉर्मल रेट भी बता दिया, यहां तो कुछ है ही नहीं। बोलता कि गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चे पहले मुझे क्या करना होगा, यहां पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दे, सर कैसे निकलता है बताया तो था, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रहा है 20 लाख, यही हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, और इनटू आप करेंगे किससे जी, सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख, ठीक है। अब एक काम करो, अब निकालो अपना सुपर प्रॉफिट। हमने कहा था, याद कीजिए पहले फॉर्मूला दिया था कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि जो कंपनी खुद कमा रही है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो कम से कम जो प्रॉफिट कमाना चाहिए जी, या कह दो कि इंडस्ट्री के बाकी लोग जो कमा रहे हैं, इसको माइनस करके निकल के आएगा। तो हमारा एवरेज कहता है कि 250 है एंड नॉर्मल कहता है 2 लाख का अमाउंट। तो मेरे बच्चे गुडविल आ गया, सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 50,000 का अमाउंट, 50। अगर हमें गुडविल को निकालना है, अगर हमें गुडविल को निकालना है, तो हमने बोला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेज प्राइस, ईयर्स परचेज प्राइस। जरा बताओ ना, जरा बताओ ना, सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000। अच्छा क्वेश्चन में ईयर्स परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है, सर 3, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000, 1.5 लाख का अमाउंट। पता है
वो जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था ना बच्चे, पिछले वाला मेथड, हम लोग उसमें क्या करते थे, इसी को ईयर्स परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन कहते हैं कि नहीं जी, आप दूसरों से मतलब जो मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन होता है इंडस्ट्री का, आप उससे ज्यादा कितना कमा रहे हो आप वो बताओ, उसी के बेसिस पे आप गुडविल निकालेंगे। तो आइए जरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, यहीं पे बिना पेज को मिटाए बगैर 7 का भी सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। 7 पढ़ना क्या बता रहा है, 7 पढ़ना क्या बता रहा है, पढ़ो ना 7 क्या बता रहा है, पढ़ो ना 7 क्या बता रहा है। सर कहता है एवरेज कैपिटल, लो यहां पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ, ध्यान रखना मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कह दे कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसी को हम क्या मानेंगे, एवरेज आपका। अगर हमें निकालना है बच्चे तो हम निकालेंगे, कैसे भी आगे की बात होगी उसमें चिंता नहीं करना। यहां पे 7th में आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है कि आपका 10 लाख है। लो रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क फ्री में मतलब नॉर्मल रेट हमें निकालना है 10 और 5, वही आ गया, एवरेज बता रहा है और फिर कहता है गुडविल निकालो। तो पहले काम करना, 7th में पहले बताओ आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। नॉर्मल रेट का मतलब होता है इंडस्ट्री के अंदर में मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है पैसा लगाने के टाइम पे वो कितना है, तो 10+5 यानी कि आपका 15%। ठीक है, अब जरा जल्दी से बता दो आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया ही हुआ है, एवरेज आपका 10 लाख का, तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय आपका 15%, सर 150 का अमाउंट निकल के आ गया, 150 का अमाउंट। ठीक है, ठीक है जी। तो चलो बताओ अब आपका यहां पे सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, सुपर कितना हो जाएगा। सर एवरेज क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ बच्चे हाँ दिया है, कितना दे रहा है, 220 में से आप नॉर्मल यानी कि 150 को माइनस कीजिए, दूसरों से ज्यादा आप 70 कमा रहे हैं। अगर हमें गुडविल की वैल्यू को निकालना है तो ये 70,000 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ बताओ ईयर्स परचेज प्राइस कितना है क्वेश्चन में, सर 3, तो अमाउंट कितना आ गया, 2,10,000। कुछ है नहीं बच्चे, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट सब कुछ तो आप जानते हो, सब कुछ तो आप जानते हो, सब तो जानते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। 8th क्वेश्चन आप घर में कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। 9th क्वेश्चन जरा चेक कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा तो हम उसको भी समझ लेंगे। हमने कहा था नॉर्मल रेट कई तरीके से निकलता है, कई तरीके से निकलता है बच्चे, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ। लेकिन ध्यान रखना नॉर्मल का मतलब आपका दिमाग हमेशा बोले कि यार आप किसी भी कंपनी में मिनिमम जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है, मिनिमम, अगर वो मिनिमम मेरा पूरा नहीं हुआ ना, अगर मिनिमम मेरा पूरा नहीं हुआ तो हम कंपनी को छोड़ देते हैं। सोचो ना, अगर मान लो मुझे कहीं पैसा मेरे पास लगाना है तो कम से कम जो मेरा रिटर्न है वो तो मुझे मिले, नहीं तो फिर क्या फायदा उसमें पैसा लगाने का, हटाओ वहां से पैसा, पैसा लेकर आओ घर में जी। आओ जरा एक बार देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में इकट्ठे हो जाएंगे। 9th पढ़ना, एक लिमिटेड कंपनी है जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है 20% ऑन इट्स शेयर्स ऑफ 100 और कहता है कि 75 पेड अप। बच्चे ध्यान देना, 9th में कहता है कि आपके शेयर के जो फेस वैल्यू है ना वो कहता है ₹100 है, लेकिन जो पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू वो कहता है ₹75। और रेट ऑफ डिविडेंड, इस कंपनी का जो डिविडेंड का रेट है, जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, वो कहती है कि 20% है। ये क्वेश्चन है ना सर, हाँ आगे नहीं पढ़ना, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो बच्चे, ये जो रेट है ना आप जानते हो तो भी अच्छा है, नहीं जानते हो तो भी अच्छा है, सुन लो, कंपनी हमेशा रेट हमें पे करती है पेडअप के ऊपर में। पेडअप का मतलब होता है कि जो पैसा हमारा कंपनी में लगा हुआ है, जितना पैसा हमने कंपनी को दिया हुआ है, तो अगर मान लो पर शेयर हमने 75 कंपनी को दिया हुआ है तो 75% डिविडेंड। तो जरा बताओ डिविडेंड, डिविडेंड आपका पर शेयर कितना मिल रहा होगा जी, तो 75 का 20% कितना हो गया, ₹15। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, डिविडेंड जो कंपनी पे करती है ना बच्चे, वो आपको फेस वैल्यू पे नहीं करती, वो मार्केट वैल्यू पे नहीं करती, वो कहते हैं भैया जितना पैसा आपका कंपनी में आया है पेड अप शेयर कैपिटल हम उस पे ही देंगे। तो पता है आप देखो, आपको पर शेयर ₹15 का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब पर डे, पर आपका ईयर ₹15 आते हैं एज डिविडेंड। लेकिन पढ़ो ना क्वेश्चन में कि इस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है, मतलब ये जो मार्केट वैल्यू है
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वो कहता है कि आपका रुपीज 120 है, 120 रुपए। मेरे बच्चे मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जिस शेयर पे मैंने 75 रुपीज पे किया है उसकी आज वैल्यू 120 है, 120। मतलब अगर मैं इस कंपनी के शेयर को आज बेच देता हूं ना, अगर मैं आज इस शेयर को किसी को बेच दूं जिसमें मैंने आज तक 75 पे किया है, तो मुझे 120 रुपए मिलेंगे। मतलब इसकी वैल्यू 120 रुपए। वैल्यू सर कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर के अंदर में। अभी छोड़ो उसकी बात, अभी कहता हूं कि मान लो वैल्यू आपका 120 रुपए दिया है, तो बोलता बताओ कि आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। मेरे बच्चे अगर मुझे पता करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो जरा आप मुझे सच सच बताओ, दिल पे हाथ रखे, देखो मेरी बात सुनो। आप बताओ एक तरीके से उस कंपनी में अभी के टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है, जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं उस कंपनी में आज के टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है? 75 का है कि 120 रुपए का है? सर इन्वेस्टमेंट तो अब 120 रुपए का हो चुका है। क्यों जी, ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर इस शेयर को आज मैं मार्केट में बेचता हूं तो मुझे 120 रुपए मिलेंगे। तो एक तरीके से मैंने 120 रुपए कंपनी को दिया हुआ, अभी तक मैंने उससे पैसा नहीं लिया है। समझो मेरी बात, 75 आपने कभी दिया था पेड अप, लेकिन आज उसकी वैल्यू अगर 120 रुपए है तो मेरे बच्चे वो सामान आपका 120 रुपए का है ना। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी 75 का बढ़ के कितने का हो चुका है? 120। पता है अगर नॉर्मल रेट निकाला जाए ना, तो हम कहेंगे कि यार 15 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन 120 रुपए के आज के वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, 120 रुपए पे कितना कमा रहा हूं? 15, तो जरा बताओ रेट कितना आपका हो गया, रेट कितना हो गया? मतलब अगर मैं सिर्फ 15 रुपए कमा रहा हूं, 120, सर 120 क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ना बच्चे अगर उस शेयर को आज बेच देता हूं तो मुझे 120 रुपए मिलेगा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक तरीके से 120 रुपए का ही तो है ना। अगर आज भेजो तो 120 रुपए कैश आ जाएगा, तो 15 रुपए जो है ना 120 रुपए पे कमा रहा हूं, यानी कि 12.5% 12.5%। ये जो है ना बच्चे, ये हो गया आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस कंपनी में अगर मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ा हुआ है, तो उस केस में मुझे 12.5% मिल रहा तो मैंने छोड़ा हुआ, मतलब ये मेरा मिनिमम होगा, ये मैं इतना कमाना चाहता हूं तभी मैंने इसमें छोड़ा हुआ है। अगर मान लो इससे कम हो जाता तो फिर तो मैं शेयर ही बेच देता। अगर मैंने आज शेयर नहीं बेचा है और मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ, तो ये मेरा रिटर्न है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एटलीस्ट आपका। इससे कम हो जाएगा तो फिर नहीं करूंगा। तो कई तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैं इसमें देखूंगा अभी आपका। आज हम एक काम करते हैं मेरे बच्चे, आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। अभी आप बुक के किसी क्वेश्चन को आप टच नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। जब हम अगली क्लास से मिलेंगे तो हम इस पर भी कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ और भी जो मेथड्स हैं उनको देखेंगे, और फिर इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।